ओके आर वी लाइव बच्चों इज मैम लाइव यस एवरीवन हां बेटा मैम यहीं पे है हेलो एवरीवन हेलो 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 इज मैम लाइव प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन सब मुझे देख पा रहे हैं सब मुझे सुन पा रहे हैं नाइस एंड क्लियर यस बच्चों हेलो एवरीवन हेलो 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 एवरीवन एंड सबको ईद मुबारक बच्चों आज आप अगर अपने सेलिब्रेशंस को छोड़ के अगर आप यहां पे सच में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को सलाम है मेरी तरफ से भाई ठीक है इस साल ईद तो मना ही रहे हैं अभी देखना पांच मई को भी मनाएंगे यार क्योंकि हम इतनी बार रिवाइज करें हर चीज को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी टाइमिंग्स भी तुम्हें नए बताने हैं यार हम कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे चाहे वो केमेस्ट्री हो बायो हो फिजिक्स हो कोई भी सब्जेक्ट हो ठीक है बच्चों आप ही हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि आपके सपनों तक की जो उड़ान है वो हमें ही करानी है पूरी ये मेरे बच्चों

<laughs> चलिए आइए तो यहाँ पे बच्चों बच्चे पूछेंगे मैम तो, पे पे तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना यहीं पे आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलेंगे हर चीज के फिर आते नेक्स्ट पे बच्चों नेक्स्ट है हमारा वन महापैक महा वो पैक होता है जिसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलती है वीडियो

हाँ चैप्टर से यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से शुरू करेंगे ठीक करें हाँ, अकेले -अकेले सब को तो है सबके सब, सब है भाई यस तो बस अभी देखो कितनी सारी स्लाइड्स हमने बना रखी कितनी सारी स्लाइड्स है यार यस अभी देखो ये डाउनलोड होने में भी दो मिनट ले रही है एक सेकंड रुक जाओ तो ये देखो सिस्टम स्लो कर देता इतनी स्लाइड हमने बना भगवान वापस से जाना पड़ेगा क्या एक आज शगुन ना के सेशन में ऐसा कभी हुआ है <laughs> यस मेरे बच्चों भाई आ आ आ जाओ 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 सब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं बस चलो 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 एक बार लगा दो चैट सेक्शन में बुला लो अपने दोस्तों को दोस्तियों को जो भी है यार तुम्हारी लाइफ में सबको बुला लो यार सबको बुला लो सबको बुला लो क्योंकि ये देखो ये सारे तुम्हारे नोट्स हैं और हर चैप्टर के साथ क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं काफी अच्छी खासी लंबी पीपीटी है चलिए आज शुरू कर रहे पहला चैप्टर जो कि है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करें बच्चों यस एवरीवन जोश दिखना चाहिए देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्योंकि बिना जोश के तो हम करते ही नहीं है कोई भी काम यार अभी ना आवाज भी अच्छे से आने लगेगी डोंट वरी ये शुरू शुरू में ना थोड़ा सा ऐसा भूमिका बनाता है ये जो यूट्यूब है ना ये भूमिका बनाता है यस

इससे ज्यादा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें आठ आठ नौ नौ दस दस घंटे लेके बैठी रहूँ बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है ना यस yes, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है उनको भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें लाइफ में राइट मेरे बच्चों जाओ केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पे तो क्या होते हैं हार्मोन्स चले जल्दी से सब एक्टिवली बताएंगे चैट सेक्शन में क्या होते हैं हार्मोन्स क्या हार्मोन्स ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं यस और नो क्या ये इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं क्या ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं या नहीं होते हैं तो आइए इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं तो हार्मोन्स वो होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं और ये हमेशा ही किस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं ये बेहद कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं यानी कि ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं तो सबसे पहली चीज हारमोन क्या होते हैं हॉर्मोन्सो हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेजर्स इंटरसेल्युलर सब मैसेजर्स होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं किसमें ट्रेस अमाउंट्स में अब एक और चीज लिखे एनसीआरटी ने कि न्यूट्रिएंट होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट होता है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों ये होते हैं हमारे नॉन न्यूट्रिएंट क्या होते हैं बच्चों ये हमारे नॉन न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल्स होते ऐसे नहीं है कि इससे तोड़ के एनर्जी निकाली जा सके ये बात बिल्कुल गलत है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे कितने टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं तो यहाँ पे आपको देखते हैं बच्चों कितने टाइप के हमारे पास है जरा मैम की जरा थोड़ी सी हेल्प करो तो अगर की बात हम करें तो ये हमारे पास तीन टाइप के हारमोन होते हैं कितने टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं बच्चा पार्टी तीन टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं पहले जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स कौन से होते हैं मेरे बच्चों ये होते हैं हमारे प्रोटीनेशियस हॉर्मोन दूसरे जो होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं

तो यानी कि हम रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं कोई यहाँ पे जगराता नहीं कर रही हूं मैं यहाँ कोई को यह सत्संग नहीं कर रही हूं मैं यहाँ रिविजन आप आप और आपसे कह रही है आंसर दे आंसर दे आंसर दे तो वो चीज मुझे वहां से चाहिए आज ठीक है तो बच्चों जो प्रोटीनशियस हॉर्मोन है नाम से पता लग रहा है कि किससे है प्रोटीन से है किससे है बच्चों ये प्रोटीन से बना होता है ठीक है मेरे बच्चों अब आते हैं इसके रिसेप्टर की बात करते हैं आपको पता है कि जो भी हमारी प्लाज्मा मेमब्रेन होती है वो लिपिड बायलेयर होती है सही बात बोली मैम ने तो ये जो लिपिड बायलेयर है लिपिड बायलेयर ये हार्मोन प्रोटीनेशियस है तो ये वाटर सॉल्युबल इन नेचर है कैसा नेचर है इसका जल्दी से बताइए वाटर सॉल्युबल इन नेचर होता है इसका ठीक है अब ये वाटर सॉल्युबल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है तो इसको तो पानी से डर लगता है उसे पानी से प्यार है ठीक है तो आखिर इसका रिसेप्टर कहां होगा जी कहां होगा इसका रिसेप्टर इसका होता है बाउंड रिसेप्टर होता है इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे जुड़ा होता है तो यानी कि अगर प्रोटीन हार्मोन आ भी रहा है तो वो अपने रिसेप्टर से जुड़ जाएगा जो कि कहां पे है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है ठीक है बच्चों अब जब ये इससे जुड़ जाएगा तो अंदर काम कौन कराएगा इस मैसेज को अंदर तक तो कौन लेके जाएगा बताओ जरा चैट बॉक्स में कौन लेके जाएगा इस मैसेज को इस मैसेज को लेके जाएगा हमारा कौन कौन लेके जाएगा इस मैसेज को जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सेकेंडरी मैसेंजर ये वो सेकेंडरी मैसेंजर है जो इस मैसेज को लेके जाएगा और काम आगे कराएगा

ठीक है बच्चों लिवर में बनेगा ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसी से हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनते हैं अब आ जाओ ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि क्या है

छोड़ रहा है ये सेल के अंदर है तो इस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर क्या बोलेंगे इसको बच्चों इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोलेंगे ठीक है और ये किससे जुड़ा अपने हार्मोन से अब आ जाओ इसके एग्जांपल्स पे कोई इसका एग्जांपल बता सकता है चलिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में तब तक तो जरा थोड़े एसी ठंडा कर दे क्या ना बच्चे आए हैं तो बड़ी ही गर्मी हो गई है हाय गर्मी यस

है जो किससे डिराइव्ड है अमीनो एसिड से डिराइव्ड है किससे ये? ये किस है. है? पहला एग्जाम्पल क्या है मेरे देखते हैं. तो पहला हम यहाँ पे ले लेते हैं टायरोसिन अब टायरोसिन से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है ये yes, बेटा श्रावणी क्या आंसर होगा टायरोसिन इज एसेंशियल अमीनो एसिड शियल अमीनो एसिड ये जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन हो सकता है ये बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन हो सकता है किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है तो टायरोसिन जो है ये हमारा नॉन असेंशियल नहीं भी लेंगे तो बॉडी से बना लेती है ये जो टायरोसिन है ये बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है ठीक है चलिए मैं आपको सिचुएशन देती हूँ आप आंसर बताना ये वो हॉर्मोन बनाता है जो एमरजेंसी में जरूरी होता है यानी कि यहाँ से हमारे कैटिकोलमाइंस बनते हैं क्या बनते हैं बच्चों हमारे कैटिकोलमाइंस बनते हैं ठीक इसके अलावा कौन कौन बनता है yes. Thyroid hormones भी से बनते है. कौन बनते है? बनता है एक पिगमेंट होता है, वो pigment है. उसका नाम क्या, है? Melanin. क्या नाम है उस पिगमेंट का उस पिगमेंट का नाम है मेलेनिन तो ये सारी चीजें कहा से बन रही है टायरोसिन से बनती है जो कि एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है वहीं पे एक और अमीनो एसिड है हमारा जिसका नाम है मेरे बच्चों ट्रिप्टोफैन क्या नाम है उसका ट्रिप्टोफेन क्या नाम है बच्चा पार्टी उसका ट्रिप्टोफेन नाम है उसका ठीक है ट्रिप्टोफेन ये क्या है ये हमारा असेंशियल अमीनो एसिड है जो हमें डाइट में लेना पड़ता है इससे दो हार्मोन्स बनते हैं एक जो पीनियल ग्लैंड से आता है कौन कौन से हैं बच्चों एक है हमारा सेरोटोनिन और दूसरा है हमारा मेलाटोनिन दूसरा कौन सा हमारा मेलाटोनिन तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ तरीके जो हमें पढ़ने हैं तो आओ इसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ठीक है देखते हैं इधर आ जाओ अब आते हैं सबसे पहले पे प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स वाटर सोल्यूबर येस और नो बताइए से दीज आर वॉटर सोलिबल हॉर्मोन्स इनके रिसेप्टर का है बाउंड एग्जाम्पल है, है ग्लूकागॉन इंसुलिन रोबाक्सिन ऑक्सीटोसिन ठीक है यस yes. अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्टल हॉर्मोन्स डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इसका रिसेप्टर कहा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर ये इसके एग्जाम्पल्स हैं अब आ जाओ यहाँ पे बायोजेनिक अमीन ये वो अमीनो एसिड है विच आर डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड ठीक है िन आता है ठीक है फिर आते ट्रिप्टोफेन डिराइव जिसके अंदर आपका सेरोटोनिन मेलेटोनिन ऑक्सीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है क्या है बच्चों ये ये हमारा होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ठीक है बच्चो यस yes. फिर आते हैं हमारे हिस्टिडीन हिस्टिडीन से जो निकलता है वो है हिस्टामिन हिस्टामिन कहा क्या काम करता है वेसो डायलेटर, वेसो yes, वेसो डायलेटर या वेसो यस मेरे बच्चों वेसो या वेसो क्या होता है हिस्टामिन कौन से सेल से आता है हर चीज हमें पता होनी चाहिए तो जो हिस्टामिन है ये मास्ट सेल या बेजोफिल सेल से सिक्रीट होता है है ना मेरे बच्चों और ये जो हिस्टामिन होता है, कौन होता है? सेरोटोनिन, हिस्टामिन. ठीक है? तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स अब आते हैं हॉर्मोनल एक्शन पे यानी कि मैकेनिज्म इसको अब हमें करना है चलिए है इसको मैं समझाती हूँ मेरे बच्चों आ जाओ ध्यान से देखेंगे सब तो मैम एक लाइन बना रही है बीच में ये बन गई हमारी रेखा रेखा जी बना दी हमने कौन बना दिया मेरे प्यारे बच्चों रेखा जी बना सामने ठीक है रेखा जी के इस तरफ हम करेंगे हॉर्मोन्स का स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स का करेंगे और इस तरफ रेखा जी के हम करेंगे प्रोटीनेशियस हार्मोन का किसका करेंगे प्रोटीनेशियस okay. मैं इसके डिफरेंस पूछूंगी सब बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे ठीक है अब अब एंड पे सबसे पहले माम का क्वेश्चन अब प्रोटीनेशियस हॉर्मोन यानी प्रोटीन की बात करें तो इसका रिसेप्टर कहा मेम्ब्रेन पे बनाऊ या साइटोप्लाज्म में बनाऊ कहां बनाऊ मेरे बच्चों जल्दी बता दो चैट बॉक्स में तभी मजा आएगा तो ये प्रोटीनेशियस है water soluble है, तो इसकी एंट्री नहीं है तो यानी कि इसका जो receptor है, वो होगा, वो होगा membrane bound receptor. ये बना दे membrane bound receptor. यहां पे अब आ गया मेरा प्रोटीनेशियस हार्मोन ये मेरा प्रोटीनेशियस हार्मोन है तो ये पहली बार पहली दफा आया है जिंदगी में तो इसको प्राइमरी मैसेंजर बोलू या सेकेंडरी मैसेंजर बोलू क्या बोलू बच्चों? तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी मैसेंजर तो जो हार्मोन आता है उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों प्राइमरी मसेंजर बोलते हैं क्योंकि ये पहली दफा आया है। पहला प्यार पहली दफा प्राइमरी लव ठीक है चलो अब इसने इसको कर दिया अब क्या होगा देखो अब ये जो है जो ये बाइंडिंग है

चलिए बताइए होता है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है ये इस एटीपी से बना देगा सी एम पी क्या बना देगा सी एम पी जिसकी फुल क्या है बच्चों साइक्लिक एडीनोसिन एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट ये है इसकी फुल फॉर्म साइक्लिक एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट ठीक है बच्चों ये जो सी एम पी है ना दिस एक्ट एज सेकेंडरी मैसेजर ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर, है तरह, ये काम कर रहा है किसकी तरह सेकेंडरी मैसेजर की तरह बच्चों ये काम कर रहा है ठीक है अब ये जो सेकेंडरी मैसेजर है ये चेंजेस लाएगा कैसे चेंजेस लाएगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएगा कैसे चेंजेस लाएगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिसके लिए हमें क्या चाहिए एंजाइम्स चाहिए क्या चाहिए हमें

ये भी फैट सॉल्युबल है ये भी लिपिड से बनी है फैटी होता है वो भी तो मैम हाँ डायरेक्ट एंट्री अलाउड है बिल्कुल रिश्तेदारी है भाई बिल्कुल नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे ठीक है अब ये जो है हार्मोन ये अंदर आ चुका है साइटोप्लाज्म में और यहाँ पे इंतजार कर रहा है इसका मजनू मजनू का नाम है इंट्रा रिसेप्टर क्या नाम है मजनू का बच्चों मजनू का नाम है इंट्रा प्लाज्मिक रिसेप्टर ये है मजनू का नाम ठीक है अब जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहां पे बनता हुआ मेरे बच्चों ये बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ठीक है अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहां पे एंट्री मारेगा न्यूक्लियस में कहां एंट्री मारेगा न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में कौन बैठा है डीएनए ये जाके इससे जुड़ जाएगा ये देखिए ये यहां पे जाके इससे जुड़ गया ये देखो जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इससे जुड़ गया जब ये इससे जुड़ा तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो गया ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनता है एमआरएनए क्या बन गया बच्चों यहां पे यहां बन गया आपका एमआरएनए बन गया एमआरएन एम आर एन ए बाहर आएगा इससे क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा प्रोटीन से बनेगा एंजाइम मॉडिफाई करके यही एंजाइम क्या करेगा फिजियोलॉजिकल एक्शन करेगा क्या करेगा मेरे बच्चों फिजियोलॉजिकल एक्शन करेगा ठीक है मेरे बच्चों ये डिफरेंस समझ में आ गया अब जरा डिफरेंस बताएगी पूरी क्लास ठीक है अब मैं सवाल पूछूंगी एप्लीकेशन बेस्ड क्योंकि मैं पूरा समझा चुकी हूं नाउ इट्स अ टाइम कि आई विल आस्क क्वेश्चन ठीक है बी प्रिपेयर्ड इन दोनों में से कौन सा फास्ट एक्ट करता है सोचो और आंसर दो इसके लिए पी लिख सकते हैं इसके लिए एस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में मतलब आंसर्स ना चैट बॉक्स में भर जाने चाहिए बिल्कुल शानदार तरीके से मजा आना चाहिए देख के कि भाई बहुत ही आनंद आ रहा है मैम को आज ठीक है कौन सा इसमें से मैकेनिज्म है जो फास्ट काम करता है फास्ट रिएक्टिंग होता है यस yes, मेरे बच्चों यस प्रोटीनेशियस हमेशा फास्ट काम करेगा एज कंपेयर टू स्टेरॉयडल क्योंकि इसमें डीएनए का रोल है इसमें डीएनए का रोल नहीं है तो यानी कि पहला क्या आ गया ये फास्ट एक्शन करता है जबकि ये वाला स्लो एक्शन करता है दूसरा आ जाओ ठीक है कौन सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम करेगा कौन सा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए काम करेगा यह है मेरा नेक्स्ट सवाल सोचिए और मुझे बताइए यहाँ पे डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो यहां से खुद से इंजाइम बना रहे हो समय लगेगा बट काम लंबा चलेगा ठीक है जबकि यहाँ पे ऊपर ऊपर का काम कर रहे हो लास्ट मिनट रिविजन कर रहे हो जैसे अभी कर रहे हो नालायको <laughs> ठीक है मेरे बच्चों तो यानी कि ये वाला क्या है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है ये वाला होता है हमारा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जबकि दूसरे वाला हमारा होता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये वाला हमारा क्या होता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे ठीक है किसमें सेकेंडरी मैसेजर चाहिए किसमें सेकेंडरी मैसेजर नहीं चाहिए बता दो चैट बॉक्स में देखो 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 आंसर बताओ 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 यहाँ पे सेकेंडरी मसेंजर चाहिए क्योंकि इसका प्राइमरी मैसेंजर बाहर रह जाता है यहां हमें सेकेंडरी मैसेंजर नहीं चाहिए क्योंकि यहीं पे प्राइमरी मैसेंजर अंदर आ जाता है तो यानी कि इस वाले में हमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होती है जबकि इस वाले में हमें जरूरत नहीं होती है ठीक है मेरे बच्चों ये जो सेकेंडरी मैसेजर है ये हमारा आईपी थ्री भी हो सकता है ये हमारा कैल्शियम आयन भी हो सकता है तो ये भी नीट में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेजर है या इसमें कौन सा सेकेंडरी मैसेजर नहीं है तो ये याद रखना आईपी थ्री कैल्शियम सीएमपी ये तीनों के तीनों हमारे क्या है सेकेंडरी मैसेजर है हो गया क्लियर जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में डन डन आ डन चलिए अब आगे चले चलो आ जाओ डिफरेंस खुद बता दोगे ना तो आपको खुद पता लगेगा कि यस मुझे समझ में आ चुका है अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे एंडोक्राइन सिस्टम क्या है एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर होते हैं डकलेस ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं मेरे बच्चों ये सारे के सारे ग्लैंड के हमारे डकलेस ग्लैंड हैं तो इनके पास डग नहीं होती है तो इनके पास डग्स नहीं होती है तो इनका सिक्रीशन जो है डायरेक्टली कहां जाता है ऑर्गन के पास जाता है या ब्लड में जाता है डायरेक्टली कहां जा रहा है तो जो इनका सिक्रीशन है वो डायरेक्टली कहां जा रहा है बच्चों वो डायरेक्टली जा रहा है ब्लड के अंदर और ब्लड से ये हार्मोन जो है कहां पहुंचेगा टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेगा कहां पहुंचेगा वो टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेगा ठीक है मेरे बच्चों अब आ जाओ जरा पॉइंट्स सबसे पहला हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस कहाँ होता है ब्रेन में होता है ब्रेन का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है तो जो भी ग्लैंड ब्रेन के अंदर होगा वो भी एक्टोडर्मल होगा वापस से मैम बता रही है ब्रेन का ओरिजिन क्या है एक्टोडर्मल जो भी ग्लैंड उसके पास होगा वो भी एक्टोडर्मल होगा यानी हाइपोथैलेमस का ओरिजिन क्या होगा एक्टोडर्मल पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन क्या होगा एक्टोडर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन क्या होगा एक्टोडर्मल पहले तो ये चीज याद रख लो जिससे कि नीट में कंफ्यूजन ना हो ये सारा का सारा तुम्हारा खोपड़े के अंदर जो भी हिस्सा है वो सबका सब एक्टोडर्मल है बस क्या याद रखेंगे खोपड़ा एक्टोडर्मल बस ये याद आपको रखना है तो यानी कि पहला ग्लैंड जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्या कहते हैं इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसका जो ओरिजिन है वो क्या होगा जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में इसका ओरिजिन भी होगा एक्टोडर्मल क्या ओरिजिन होगा इसका एक्टोडर्मल ठीक है बच्चों ये जो है हाइपोथैलमस ये कनेक्शन है प्रेम और उसके अभा यू नो अभास को बताने में चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ मान लो कि स्वाति है ठीक है स्वाति बोलना चाह रही है ऋषभ को कि हम तुमसे प्रेम करते हैं तो सोच रही है और कह रही है ये दो डिफरेंट बातें हैं मेरे बच्चों एक फीलिंग्स है और एक feelings का एक्सप्रेशन है इन दोनों चीजों को कौन कनेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस तो अगर मैं सोच रही हूँ कि ये प्यार है और उस प्यार को मैं कह भी रही हूँ तो ये कहलवाने का काम कौन करेगा हाइपोथैलेमस ऐसी हमारी बॉडी में दो सिस्टम है एक एंडोक्राइन सिस्टम है एक न्यूरल सिस्टम है न्यूरल सिस्टम जो है बड़ा उछल उछल के काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना थोड़ा भावनात्मक होता है वो थोड़ा भावुक होता है वो थोड़ा हॉर्मोन्स के जरिए काम करता है बट इन दोनों सिस्टम को संभालने की जो नींव है वो कौन है हाइपोथैलेमस उस नीव का नाम क्या बच्चों हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस क्या है व्हाट इज इज एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन एंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन को संभालने वाला भी कौन है हाइपोथैलेमस न्यूरल सिस्टम को संभालने वाला भी कौन है हाइपोथैलेमस और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने वाला भी कौन है हाइपोथैलेमस जैसे शादी के बाद लड़का जो है अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच में बैलेंस बनाता रह जाता है ठीक है बच्चों ये आपको धीरे धीरे लाइफ में पता लगेगा ये ज्ञान है मेरे बच्चों दिस इज ऑल ज्ञान ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको बता दू की ये मान लीजिए इसकी बीवी है ये मान लीजिए इसकी माँ है दोनों के बीच में बैलेंस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ठीक है मेरे बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट होता कहां पे है कहती है कि जो हाइपोथैलेमस है वो कहा होता है पार्ट ऑफ फोर ब्रेन तो यानी कि अगर क्वेश्चन आ रहा है नीट में कि आखिर हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा है मिड ब्रेन का हिस्सा है हाइंड ब्रेन का हिस्सा है तो मेरे बच्चों का जवाब क्या होगा सटीक आंसर देना बिल्कुल मेरे बच्चों का जवाब होगा कि ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है ठीक है वो भी डाइन हिस्से में इसके दो तरह के सेंटर्स है एक एंडोक्राइन सेंटर और एक न्यूरल सेंटर जो न्यूरल सेंटर है ये आपका मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या कंट्रोल करता है थर्मोरेगुलेशन थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है इट कीप्स योर बॉडी टेंपरेचर कांस्टेंट चाहे सर्दी हो या गर्मी तो हर बॉडी टेंपरेचर 37 डिग्री ठीक है यस yes. तो यानी कि थर्मोरेगुलेशन में 37 डिग्री सेल्सियस कौन मेंटेन करेगा बच्चों ये हमारा करेगा हाइपोथैलेमस सेंटर भूख भूख बहुत ज़्यादा लगना, जैसे कि एग्जाम टाइम आ रहे, कुछ बच्चों को ना की बड़ी ज्यादा लग, लग रही है तो ये कौन है? टी सेंटर तीसरा इसका फंक्शन क्या ऑस्मो रेगुलेशन एक सेकंड बच्चों मैं अपना फोन बंद कर दूं। वरना ना इतने नोटिफिकेशन आएंगे की पढ़ा ही नहीं पाऊंगी यस ऑस्मो रेगुलेशन अब ऑस्मो रेगुलेशन की अगर बात करें तो बॉडी का जो पीएच है जो वो भी कौन कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस फिर आते हैं सेक्सुअल डिजायर हम्म हम्म हाँ ये जो सोच होती है ना सेक्सुअल डिजायर सोच यही से उत्पन्न होती है ठीक है मेरे बच्चों यस yes, सोच यही से ठीक तो सारे सारे है तो प्यास लगने का सेंटर भी यहीं पे होता है हॉर्मोन्स की बात करें तो इसके पास दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन एक और पति की बात बताते इसके जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो कहां पे काम करते हैं बच्चों सिर्फ पिट्यूटरी पे सिर्फ पिट्यूटरी पे काम करेंगे और शरीर के किसी हिस्से पे काम नहीं करेंगे सिर्फ पिट्यूटरी पे ही काम करेंगे ठीक है बच्चों जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन अगर रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो कौन कौन से है चलो आ जाओ कौन-कौन से हार्मोनस हैं रिलीजिंग हार्मोन्स में इसके पास सबसे पहला हार्मोन कौन सा है जी एन आर एच फुल फॉर्म इसकी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हार्मोन कहां काम करेगा ये हार्मोन काम करेगा आपके पिट्यूटरी पे ठीक है फिर आते हैं दूसरा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फिर तीसरा कौन सा है

जो रोकेंगे पिट्यूटरी को नहीं बाबू नहीं निकलना नहीं अब हॉर्मोन रोक रोक अपने आप ना नालायक तो यहाँ पे पी आर एल का है पी आई एच पी आई एल प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग सॉरी ये एच होगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन इसका दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों डोपामिन इसका दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों डोपामिन ठीक है फिर आते हैं एमआरएच इसका ऑपोजिट क्या है एमआईएच और यहाँ पे जी एच आई एच ग्रोथ हॉर्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन तो इस सारे के सारे टोटल कितने हॉर्मोन जो आ रहे हैं भाई जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यार एक सेकंड बाल बंद करे यार बहुत ज्यादा गर्मी है यार आज तो बच्चो एक सेकंड एसी भी काम नहीं कर रहे सच बता रहे हैं बाल बंद कर यार ऐसे पढ़ा ही नहीं सकते बिल्कुल भी रुको एक सेकंड बिल्कुल आज आग लगा दी ना तुमने कल से मैं कहूंगी बारिश लगा दो यार बच्चों चैट बॉक्स में कल से मैं पक्का यही कहने वाली हूँ लगा दो भाई बहुत गर्मी आज पूरा पसीना पसीना हो गई मैं तो मिनट में यार हाँ। चलो आ आ जाओ अब अब आते हैं हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे पे किस पे आ रहे नेक्स्ट बच्चों एवरीवन इन द चैट सेक्शन अब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सबसे पहले ओरिजिन पे आते हैं क्या है इसका ओरिजिन जल्दी बताइए चैट सेक्शन में क्या है इसका ओरिजिन लोकेशन ब्रेन यानी कि इसका ओरिजिन भी क्या होगा एक्टोडर्मल क्या होगा इसका एक्टोडर्मल ठीक है अब ये जो हमारा पिट्यूट्री है इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यस मेरे बच्चों ये है हमारा मास्टर ग्लैंड क्या है हमारा मास्टर ग्लैंड अब यहाँ पे मास्टर ग्लैंड है इसके दो हिस्से हैं एक आगे वाला हिस्सा जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं दूसरा हिस्सा न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है ये 75% होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का यानी ये बड़ा हिस्सा है जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस केवल 25% होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोफाइसिस के भी दो हिस्से होते हैं मेरे बच्चों एक हिस्सा है पार्स डिस्टैलिस दूसरा हिस्सा है पार्ट्स इंटरमीडिया जो हमारा पार्स डिस्टैलिस है देखिए यहां से ये सारे हॉर्मोन्स आ रहे हैं

यस yes. जाओ ये पता ना ये पाइप यस yes. जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसे लग जाता है यस <laughs> yes. चलो भाई आ जाओ अब इसका मैं बताती हूं क्या होता है पोर्टल सिस्टम सब यहां पे अब ध्यान से देखेंगे क्या होता है हमारा पोर्टल सिस्टम आ जाओ अब आ रहे थ्री डी पे पूरा स ये देखिए बच्चों अब इसको एक बार देख लीजिए इससे क्या होगा आपको पता रहेगा कि लोकेशन क्या है और याद करने में बहुत आसानी होगी ये वाला हिस्सा देखिए ये है 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 ये 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 देखो बच्चों वाला है, ध्यान से देखना ये है और इससे कनेक्टेड क्या है हमारा ये देखिए ये हमारा पिट्यूटरी ये हमारा पिट्यूटरी ठीक है ये हाइपोथलमस ये पिट्यूटरी ये आगे वाला हिस्सा क्या होगा एंटीरियर पिट्यूटरी पीछे वाला हिस्सा क्या होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ठीक है यस अब देखो इधर पिट्यूटरी अब देखो ध्यान से देखो ये देखो कितना सुंदर 3d है ध्यान से देखो इस पूरे 3d को यहां पे अब हम समझेंगे पोर्टल सिस्टम Zoom कर दूं ये लो और Zoom कर देती भाई मत कराए करो मेरे से ये सब <laughs> सही बता रही हूं मैम ना कुछ ना कुछ और गड़बड़ी कर देती है मेरे बच्चों यस अभी दिख रहा है सबको यार Zoom करना पड़ेगा चलो भाई अब देखो इधर ध्यान से देखना आप पूरा समझा रही हो इस सिस्टम को एक बार समझ लोगे तो बढ़िया से आ जाएगा परमानेंट देखो इधर यहां पे ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा ये क्या हमारा हाइपोथैलेमस नीचे वाले का ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये है एंटीरियर पिट्यूट्री पीछे वाला हिस्सा क्या है बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ध्यान से देखो ठीक है ये जो इसके भी दो हिस्से मैम ने बताया मैम ने कौन से बताए एक बताया मैम ने पार्ट डिस्टैलिस और एक हिस्सा कौन सा बताया पार्स इंटरमीडिया कौन सा बताया पार्स इंटरमीडिया ठीक है ये बताया ये हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट्स नर्वोसा

हमारी है। यहां पे हो हो जाएगा फिर सिक्रीट हो जाएगा फिर यानी कि और हार्मोन बनते कहां पे बच्चों वो बनते हमारी सेल में और वो रिलीज कहां से होते हैं हमारे एक्सॉन टर्मिनल से जो कि न्यूरो में है ऐसे हमारे दो हार्मोन्स है अब आगे आ जाओ यहाँ पे हम करेंगे हाइपोथलो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे दो ऑर्गन्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्या होता है बच्चों इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन ये देखिए अब ध्यान से देखिए ये आर्टरी आ रही है यहां पे आर्टरी ये देखो ध्यान से ये आर्टरी दिख रही है इस आर्टरी का नाम है हाइपोफाइजल आर्टरी क्या नाम है इसका हाइपोफाइजल नाम है इसका हाइपोफाइजल आर्टरी ठीक है ये जो आर्टरी है ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगी किसको हाइपोथैलेमस को किसको सप्लाई करेगी ऑक्सीजन हाइपोथैलेमस के सेल्स को ये देखो ये दिख रहा है का सेल अब जब ये ब्लड वापस लेगी ठीक है अब जब ये CO2 वाला ब्लड वापस लेगी तो यहाँ पे हार्मोन जो है डायरेक्टली देखो किसके पास पास, पास आ गया। पोस्टीरियर पिट्यूट्री के पास, पिट्यूट्री के पास आ गया? गया। के के ये जो वेन है, इसे कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन है जो, है अब यहां से जो भी हार्मोन होगा जो से है, वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स पे इस पे काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल पे तब यहां से हार्मोन रिलीज होगा या नहीं होगा दिस इज योर पोर्टल सिस्टम समझ में लगा या नहीं लगा जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में एवरीवन यस yes. अब हम इसको समझते हैं देसी तरीके से देख लो एक बार बेटा ये सारी चीजें फिर जो है हम अपना देसी वे में चलते हैं ठीक है चलो ये देखो पीनियल ग्लैंड देख लो एक बार अरे भाई चल जा पीनियल ग्लैंड ये देखो

वेंट्रल साइड में है ट्रेकिया के ये देखे कितना सुंदर बनाया हुआ है ये हमारे क्या है? ये हमारे फॉलिकल्स हैं ये हमारे थायरॉयड फॉलिकल्स हैं इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर हार्मोन स्टोर होता है तो थायराइड एक मात्र ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन को स्टोर कर सकता है मेरे बच्चों बाकी कोई ग्लैंड नहीं कर सकता ठीक है यहां बनेगा T3 और T4 इधर बट आप देखेंगे इन फॉलिकल्स के बाहर भी सेल है ये जो बाहर सेल्स होते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स ये कौन सा हॉर्मोन बनाते हैं थायरोकैल्सीटोनिन कौन सा बनाते हैं ये देखो. लोकेशन क्लियर है ये आगे वाला थारॉयड था ये पीछे वाले देखो चार डोरसल लोब्स हैं एनसीआरटी क्या लिखते हैं इनके लिए चार डोरसल लोब्स हैं ठीक है यस ये देखिए

ठीक है फिर आ जाओ पैनक्रियास लोकेशन देखो पैनक्रियास की कहां पे बीच में फंसा हुआ है ये देखिए ये हमारा पैनक्रियास ये देखो पैनक्रियास के पास आइलेट ऑफ लैंगरंस जिसमें अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल एफ सेल चार तरह के सेल्स होते हैं इसको देख लीजिए ठीक है यस अब आ जाओ टेस्टिस पे चलो इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो पूरा पढ़ा ही चुके हैं पूरा का पूरा टेस्टिस है ये ठीक है फिर आ जाओ ओवरी पे ये लो ये भी पूरा पढ़ा चुके रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखो ओवरी देख लो पूरी खेलती खिलाती ओवरी देख लिया पूरा चैप्टर थ्री में अब मैं अपने तरीके से पढ़ा लू यस पढ़ा लू बच्चों तरीके से चलिए आ जाओ भाई आ जाओ अब मैम अपने तरीके से पढ़ाएगी स्लाइड्स निकाल के चलो भाई आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैम लिखवाएंगी कुछ इंपॉर्टेंट जो नहीं है उन्हें नहीं भी लिखवाएंगे तो भी चलेगा बट ना बिना पता नहीं लिखे मजा ही नहीं आता मेरे बच्चों चाहे कितने भी बच्चे आजक लाइव में बट पता नहीं मन ही नहीं मानता है मेरे बच्चों अब मैम अपने तरीके से पढ़ाएगी पता नहीं मजा से ही नहीं आता स्लाइड बना के लाओ आज मैंने सोचा कि यार ऐसे करते हैं पता मजा से ही नहीं आया सही बता रही हूँ अब अपने तरीके से पढ़ाएंगे थ्री डी से क्या होता है ना आप सब चीजें विजुअलाइज कर लेते हो आ जाओ लेट स्टार्ट अब आ रहे हम अपना दूसरा दैट इज आर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड

पहला हॉर्मोन ले लेते हैं कौन से सेल है सोमाट्रोप कौन से सेल्स है हमारे सोमाट्रोप सोमाट्रोप यानी कि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं ठीक है हाइपोथैलमस से कौन सा हार्मोन आएगा बताइए हाइपोथैलमस से कौन सा हार्मोन आएगा जो पिट्यूटरी पे काम करेगा और फिर वो बॉडी पे काम करेगा ए एंड बी चलिए जल्दी से बताइए कौन से ये करेगा बॉडी की ग्रोथ कौन सा है बच्चों ये कौन सा है ये यस कौन सा हार्मोन है यह है ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन आएगा उसका नाम होगा ग्रोथ हार्मोन ठीक है बट जो हाइपोथैलेमस से आएगा उसका नाम क्या होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन वेरी गुड सलवीन इसका नाम क्या होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ठीक है अब आते हैं दूसरे सेल पे दूसरा है हमारा लैक्टोट्रॉप दूसरा कौन सा हमारा लैक्टोट्रॉप ठीक है ये जो हमारा लैक्टोट्रॉप्स है नाम से पता लगा लैक्टो है कुछ प्रोलैक्टिन सा ठीक है तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा जो काम करेगा हमारे पिट्यूटरी पे पिट्यूटरी पे काम करने के बाद वो काम करेगा मेमोरी ग्लैंड पे तो कौन सा है बच्चों यस यहां से कौन सा आएगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जब ये पिट्यूटरी पे काम करेगा तो पिट्यूटरी कौन सा बनाएगा प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन किस पे काम करेगा मेमरी ग्लैंड पे तब बनेगा मिल्क सिंथेसिस ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट पे लैक्टोट्रॉफ के बाद अब आ जाओ कॉर्टिकोट्रॉफ कॉर्टिकोट्रॉफ कॉर्टिकोट्रॉप्स की बात करें तो हाइपो से कौन सा हार्मोन आएगा बच्चों कौन सा हार्मोन आएगा हाइपो से सीआरएच कौन सा आएगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये किस पे काम करेगा पिट्यूटरी पे काम करेगा तब पिट्यूटरी बना के देगा एसीटीएच जो किस पे काम करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा किस पे काम करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे अब है हमारा नेक्स्ट थायरोट्रॉप्स कौन से सेल्स हमारे थायरोट्रॉप्स ये सेल्स हमारे पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा जो पिट्यूटरी पे काम करेगा तब वो थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा चलिए जल्दी बताइए सीक्वेंस इससे क्या पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा दोनों के दोनों टॉपिक यस बच्चों कौन सा है यस तो यहां पे कौन सा आएगा टीआरएच यहां पे आएगा टीएसएच यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जब ये थायराइड ग्लैंड पे काम करता है तो थायराइड बना के देता है आपको टी3 एंड टी4 अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट गोनाडोट्रॉप उसको कैसे भूल सकते हैं मेरे बच्चों गोनाडोट्रॉप ठीक है यस अब गोनाडोट्रॉप की बात करते हैं यहां पे हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा जो काम करेगा पिट्यूटरी पे फिर जाके काम करेगा ओवरी या टेस्टिस पे चलिए जल्दी बताइए दोनों के दोनों हार्मोन्स एवरीवन रिविजन बेस्ट हो रही है इस टाइम पे कौन सा हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आता है मेरे बच्चों वो कौन सा होता है जीएनआरएच ये पिट्यूटरी पे काम करता है पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है अरे इसको क्या हो गया यस yes. पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है बच्चों अरे मत कर भाई कहा चल कौन नजर लगा के बैठा आज के सेशन में नालायकों वैसे मैम का टेक्निकल पार्ट इतना कमजोर है हैंग कर दिया मेरा सिस्टम यस वापस आ इसको क्या हो गया आगे 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 आ गया आगे आ गया आ गया आ गया आगे 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 आ गया आ गया यस इसको भी छेड़ना होता है हदी हो गई तो यहां से आएगा एल एच एफ एस एच ठीक है बच्चों ये काम करेंगे कौन सा हार्मोन आएगा जो पिट्यूटरी पे काम करेगा फिर ये किस पे काम करेंगे चलिए जल्दी बताइए मिलानोसाइट पे काम करेंगे किस पे का बहुत हंस रहे हो ना नलायको भाई इतने सारे बच्चे देख रहे होते हैं टीचर के साथ कुछ हो जाए तो इनकी हंसी नहीं रुकती है ये बात तो है यस yes. इनको ऐसे संतुष्टि मिलती है कलेजे को ठंडक मिलती है टीचर के साथ कुछ हो जाए यस yes, यहाँ पे क्या है यहाँ पेगा एम एस एच मिलानो साइड कहा होते हैं स्किन में होते है, कहा होते हैं स्किन में तो यानी कि यहाँ से कौन सा पिगमेंट रिलीज होगा जल्दी बताओ चैट बॉक्स में मेलेनिन कौन सा होगा मेलेनिन यही मेलेनिन को हटवाने के लिए दीदी -दी ब्लीचिंग कराती हैं दीदी क्या कराती है पार्लर से ब्लीचिंग कराती हैं इसी को हटाने के लिए मेरे बच्चों ब्लीचिंग ठीक है है क्योंकि जमा हो जाता है, कहते हैं इसको दीदी, है। दीदी वहां पे ऑक्सी ब्लीच लेती है फिर जो ऑक्सी ब्लीच है वो ब्लीच करता है ऊपर के सारे सेल्स को बर्न कर देता है डेड सेल्स को फिर दीदी ठंडे पानी से धोती है और दीदी कहते हैं आई हैव ग्लास स्किन यस यही है पूरा सिस्टम ठीक है अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स पे भाई अगर इसके हॉर्मोन्स की बात करें तो ये हॉर्मोन्स बनते कहां पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहां बन रहे हैं सिंथेसिस कहां पे हो रहा है इसका इसका सिंथेसिस हो रहा है कहां पे पिट्यूटरी और कहां पे हाइपोथैलेमस में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है बट इसका सिक्रीशन कहां से हो रहा है जी स्क्वायर आर्मी इसका सिक्रीशन हो रहा है कहां से न्यूरोहाइपोफाइसेस से ये केवल ऐसे दो हॉर्मोन हैं एक का नाम है एडीएच जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन ये जो हार्मोन है इसका काम क्या होता है मेरे बच्चों एडीएच का, का काम क्या है टू रीअब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स ठीक है क्या कर रहा है ये रीअब्सॉर्ब करता है वाटर को और सॉल्ट्स को है ना मेरे बच्चों वही पे जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन क्या मैं इसे इजेक्शन हार्मोन कह सकती हूँ क्या मैं इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कह सकती हूँ बताओ जल्दी से यस yes! तो इसे हम फीटल इजेक्शन हार्मोन भी कह सकते हैं ठीक है इसे हम मिल्क इजेक्टिंग या इजेक्शन हार्मोन भी कह सकते हैं बच्चे को निकालना मिल को निकालना दोनों काम ऑक्सीटोसिन को दिए गए हैं ठीक है मेरे बच्चों इसके अलावा एडीएच का एक और रोल है जो इसके नाम में छुपा है वेसो वेसल को प्रेस करता है, वेसल को प्रेस करने का मतलब है ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह भी काम करता है ठीक है ये इसके हो गए पिट्यूटरी खत्म चलो अब नेक्स्ट रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्लैंड जल्दी बता दो यस एक और ग्लैंड है जो हमारे सर में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड क्या नाम है बच्चों उसका पीनियल ग्लैंड ग्लैंड बता दो अब अब तो यार तुम्हें ये चीज चाहिए सीक्वेंस देख लो मैम कैसे पढ़ा है हर ग्लांड। आगे से आगे आंसर दो रिवाइज करो और घर बैठ के फिर फिजिक्स केमिस्ट्री करो चलो ओरिजन क्या है एक्टोडर्मल ओरिजन है मेरे बच्चों इसका ठीक है लोकेशन बता दो ये लोकेशन का है इट इज प्रेजेंट इन द दाइसिस ऑफ फोर ब्रेन कहां प्रेजेंट होता है एपिफाइसेस या एपिथैलमस जो हिस्सा होता है फोर ब्रेन का वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा पीनियल ग्लैंड ठीक है इससे एक हार्मोन आता है क्या उसका नाम मेलिनिन है मेलाटोनिन है यार बच्चों मैं बहुत कंफ्यूज हूं जोंगसुक यस yes, बेटा दिव्या तनिष्का मैम बहुत कंफ्यूज है क्या है बच्चों समझ सा नहीं आ रहा मेलाटोनिन मेलेनिन मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ थोड़ी हेल्प कर दो तो एलिचा क्या बात है यार क्या बात है ठीक है ये जो है 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 कौन सा यस yes, हार्मोन का नाम क्या है? इसके जरा रोल्स पे आ जाओ फंक्शंस पे आ जाओ इसका एक काम है जो आपकी दिनचर्या साइकिल को कंट्रोल करता है दिनचर्या को हम इंग्लिश में सर्केडियन रिदम कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं इसको ठीक है इसी को ट्वेंटी फोर आवर साइकिल भी कहते हैं इसी को क्या कहते हैं डायरनल साइकिल भी कहते हैं मतलब कि वही अलग अलग नाम से तुम्हें फंसाएगा नीट एग्जाम ठीक है यस जैसे बार बार रजिस्ट्रेशन ओपन करके तुम्हारा कंपटीशन बढ़ा रहा है ऐसे अलग अलग सवाल यूज करके तुम्हें धोखा देने के लिए तैयार है ये ठीक है इसी को स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं

हाँ, हाँ, मैम अगर ज़्यादा सोएंगे आराम मिलेगा बॉडी प्रोटीन से एंटीबॉडी बनाएगी तो इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी जो बच्चे ज्यादा नहीं सोते अक्सर वो जल्दी बीमार पड़ते हैं यस इसका रोल इम्यूनिटी में भी होता है क्या इसका अर्ली प्यूबर्टिक प्यूबर्टी अली प्यूबर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हाँ जी हाँ अगर ये ढंग से नहीं निकलेगा तो अली प्यूबर्टी ले तो इसका कहीं ना कहीं रोल साइकिल और यही ग्लैंड जो है तीसरी आंख कहलाता है क्यों कहलाता है क्योंकि जो बाकी एनिमल्स है उनका ब्रीडिंग साइकिल कंट्रोल करता है लाइट को परसीव करके जैसे मान लो बारिश के दिन है ठीक है छमछम छम हो रही है लाइट भी सौंधी सौंधी आ रही है ये फ्रॉग निकल के आएंगे यस ये फिर अपनी महबूबा को जवाब ऐसे बुलाएंगे ठीक है यस क्यों इसके कारण पीनल ग्लैंड तो पीनल ग्लैंड जो है दो आंखों के बीच में तीसरी आंख भी कहा जाता है इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड आई क्योंकि ये आपकी लाइट को परसीव करते है। उसके हिसाब से आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मैच्योर होते हैं स्ट्रक्चर में बट बाकी सब में है ठीक है ठीक मेरे बच्चों यस yes. चलो आ जाओ ये हो गया हमारा पीनियल ग्लैंड अब पीनल ग्लैंड के बाद नीचे उतरते हैं अब आते हैं हमारे थाइड ग्लैंड के पास किसके पास आ रहे हैं ग्लैंड के पास आ रहे, रहे हैं ठीक है थारॉयड ग्लैंड ओरिजिन ओरिजिन बताओ ओरिजिन टपाट टप यस शिव टपाट टप यस इन्हें थोड़ी नीट क्लियर करना है <laughs> बस इनकी जिंदगी का एक ही मोटिव है ट्रि 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 ट्र ठीक है ग्लैंड पे आते हैं बच्चों थायरोड ग्लैंड का ओरिजिन क्या है भाई अब एक्टोडर्मल नहीं है अब एंडोडर्मल पे कहानी चलेगी थोड़ी देर तो यहाँ पे अब एंडोडर्मल इन ओरिजन है क्या ये हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और yes नो no. तो आप कहेंगे मैम yes, ये हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ठीक है मेरे बच्चों यस yes. फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे इसके दूसरे नाम क्या है इसे एच शेप्ड ग्लैंड भी कहते हैं इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है क्या ये ग्लैंड स्टोर कर सकते हैं अपने सिक्रीशन को आप कहेंगे यस yes, इसमें ताकतें हैं इसमें शक्ति है इट इज द ओनली ग्लैंड ये ओनली शब्द को मैं हाईलाइट कर रही हूँ असर्शन रीजन के लिए ठीक है सो ओनली ग्लैंड विच कैन स्टोर विच कैन स्टोर इट्स हार्मोन्स इट्स हॉर्मोन्स ठीक है मेरे बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं एंड

क्या है बच्चों ये ये है हमारे थायरॉयड फॉलिकल्स ये थायरॉयड फॉलिकल्स है ठीक है इन थायराइड फॉलिकल्स के अंदर कौन से हार्मोन जन्म ले रहे हैं मेरे बच्चों कौन से वो हार्मोन्स हैं जो जन्म ले रहे हैं जल्दी बता दो यस वो हार्मोन्स कोई और नहीं बल्कि नालायको T3 एंड टी, थ्री टी फोर है T3 की फुल फॉर्म है ट्राई आइडो और थायरोक्सिन टी ठीक है तो ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनके पास आयोडीन भी होता है ठीक है इसके आसपास कुछ और छोटे छोटे सेल्स में बना रही हूं ये देखिए ये जो सेल्स हैं इनका नाम क्या है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है स्ट्रोमल टिश्यू में प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स क्या कहते हैं मेरे बच्चों ने पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करते हैं टीसीटी यानी कि टी कौन सा रिलीज करते हैं रिलीज करते हैं क्या काम है अभी ब्रेक के बाद नहीं अभी बताऊंगी ठीक है yes. यस चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं यहाँ पे अब देखो बेटा ये हो गया हार्मोन ये हो योग उसकी लोकेशन ये हो गया उसका ओरिजिन अब हमें करने हैं फंक्शन क्या करेंगे अब हम फंक्शन करेंगे इस ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन है देखो बेटा का हर जगह फंक्शन है हर जगह फंक्शन है बाबू हर जगह फंक्शन है क्योंकि इट कंट्रोल्स योर डैश क्या कंट्रोल कर रहा है ये ये आपका कंट्रोल करता है बीएमआर बीएमआर को कहते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसे इसे कहते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट ठीक है ये क्या होता है मान लीजिए एक सूखड़ी है. सूखड़ी है मान लो कि भूमिका है आज की क्लास की सूखड़ी का नाम क्या है भूमिका भूमिका तीन प्लेट चावल और दस कटोरी दाल पीती है बट वो सूखड़ी है ठीक है वहीं पे दूसरे ले लेते हैं हम विनय को विनय बेचारा आधी रोटी है तो एक गिलास पानी पीता है बट विनय पतला नहीं बल्कि बहुत मोटा है तो आखिर क्यों सवाल उठता है क्यों जस्टिस फॉर विनय तो यहाँ पे बच्चों उसका जो बी है जो भूमिका है उसका बीएमआर बहुत ही तेज है जो खाती तुरंत से डाइजेस्ट कर लेती है वहीं पे विनय का जो बी है वो स्लो है तो वो कुछ भी खाता है तो उसे डाइजेस्ट होने में बेचारे को दो साल लग जाते हैं इस चक्कर में तो आखिर इस बीएमआर को कंट्रोल कौन कर रहा है इस बीएमआर को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इट कैन अफेक्ट इट कैन अफेक्ट योर प्रोटीन मेटाबोलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ये एफेक्ट करता है तो सर्दियों में इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी टंटना आटन टंटन तारा जल्दी जवाब yes. बता जरा सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर में होता है कौन करता है सिग्नल जाएगा सर्दी है सिग्नल हाइपोथैलेमस हो, हो सर्दी है सर्दी है बाबू काम कर ये बाबू कौन है ग्लैंड तो कैसे वो थर्मोरेगुलशन करा रहे हाइपोथल रिलीज करेगा टीआरएच सर्दी है सर्दी है फिर वो अपने जूनियर पिट्यूटरी को कहेगा कि चल भाई सर्दी है कुछ कर वो कहेगा ओके टीएसएच टीएसएच जाएगा थायराइड के पास थायराइड टी थ्री टी फोर रिलीज करेगा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और गर्मी आ जाएगी देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल है बॉडी अगर बाहर सर्दी है तो सबसे पहले सिग्नल कौन लेगा हाइपोथैलेमस ठीक है यस yes, हाइपोथैलेमस जब आपके हॉर्मोन्स भी आपके अंदर गर्मी नहीं जगा पाते हैं ठीक है <coughs> तो क्या करता है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस कहते हैं शिवरिंग शुरू कर कब कप कभी मचा तब हीट जनरेट होगी जब तब भी नहीं होता तो फिर क्या होता फिर मुझे क्या पता ठीक है मेरे बच्चों चलो अब आ जाओ तीसरे पे चलते हैं एक हाल ही में नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है फ्रॉग फ्रॉग आपको पता है पहले टेडपोल लार्वा था यहाँ पे देखो पहले क्या था हमारे पास टेडपोल लार्वा था फिर ये एडल्ट में बदल जाता है जब टेडपोल से एडल्ट में बदलता है फ्रॉग तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चों अब ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में इसलिए बता रही हूं ठीक है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या कहते हैं मेरे बच्चों इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ठीक है मेटामॉर्फोसिस इस मेटामॉर्फोसिस के लिए जो हार्मोन चाहिए वो है थायरोक्सिन क्या है हार्मोन का नाम थायरोक्सिन क्या नाम है उसका थायरोक्सिन ठीक है अब ये जो थायरोक्सिन थायरोक्सिन है मान लो ये थार... नहीं निकला नीट में क्वेश्चन आ गया बेटा थायरोक्सिन नहीं निकलो टेडपोल में तो के हो लो ठीक है क्या होगा जल्दी बताओ चैट बॉक्स में क्या होगा बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं हो सकता नीट में यस तो अगर थायरोक्सिन नहीं निकला टेडपोल में तो सदा के लिए टेडपोल रह जाएगा याद रखना ठीक है सदा के लिए क्या रह जाएगा टेडपोल सदा के लिए आप स्विम करता रहेगा बस और मान लीजिए कि जो है, डबल अमाउंट निकल गया फिर क्या होएगा? मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ गया सर्शन रीजन में कि 2x अमाउंट में निकल गया आपका थायरोक्सिन डबल द अमाउंट फिर क्या होगा जो चीज एक महीने में होनी थी वो पंद्रह दिन में हो जाएगी बस जो चीज एक महीने में होनी थी वो पंद्रह हो जाएगी तो जो उसका ग्रोथ रेट है जो रेट है वो डबल हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा ऐसी चीजें भी आपको याद रखनी है एग्जाम में ठीक है बच्चों यस yes. अब आते हैं नेक्स्ट पे दैट इज इट फोर्थ फंक्शन इसका ऑस्मो रेगुलेशन में भी फंक्शन है इसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है प्लस इसका फंक्शन क्या है फॉर्मेशन मतलब आरबीसी फॉर्मेशन में भी ये कुछ अपनी भूमिका निभाता है ठीक है तो ये कुछ है जो किसके हमारे के, हर चीज़ में इसका काम है अब आते हैं इसके डिसऑर्डर्स जो कि नीट के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है तो यहां पे मैं लिख रही हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं एक वो जो हाइपो होते हैं एक वो जो हाइपर होते हैं जो हाइपर और हाइपो हैं वो क्या है जल्दी से देखते हैं ठीक है थीके? तो हाइपर हाइपो ठीक है आ जाओ इधर सबसे पहले थे हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन्स कौन से हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स आ जाओ हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि कम सीक्रेट कर रहा है ठीक है यस हाइपो मतलब नीचे कम सीक्रेट कर रहा है लो लो सेक्रिशन लो सेक्रिशन आप देखो इसमें हो क्या रहा है सबसे पहला जो है इसका एग्जाम्पल है क्रेटिनिज्म क्या है इसका आफ्टर प्यूबर्टी होता, होता है कोई मुझे बता सकता है चैट सेक्शन में बाय बर्थ होता है या आफ्टर प्यूबर्टी होता है अच्छा हाइपोग्लाइसिमिक लिख दिया हाइपोसिक्रीशन होगा सॉरी मेरे बच्चों सॉरी 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 ये तो तुमने पढ़ लिया यार हाइपोसिक्रीशन ठीक ठीक है, Cretinism पे आते है, ठीक है? पे <laughs> पे आ रहे हैं। ये by birth होता है. क्या होता है ये बाय बर्थ होता है ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है पिजन चेस्टेड मतलब कि जो चेस्ट होती है वो बाहर निकली होती है पिजन चेस्टेड होता है ये पिजन चेस्टेड होता है प्लस पॉट बेली पॉट की तरह इसका पेट दिखाई देता है पॉट बेली ठीक है अब आते हैं दूसरा दूसरा है बच्चों हमारा मिक्सिडीमा कौन सा हमारा मिक्सिडीमा अगर मिक्सिडीमा की बात करें तो मिक्सिडीमा क्या है आफ्टर प्यूबर्टी ये कब आ रहा है बच्चों ये आ रहा है हमारा आफ्टर प्यूबर्टी इसके अंदर क्या है लोअर T3 थ्री एंड टी फोर होते हैं लोअर T3 थ्री एंड टी ठीक है बच्चों अब इसमें क्या होगा जल्दी से बताइए मोटा होगा या पतला होगा इंसान कैसा होगा हम्म मोटा होगा पतला होगा कुछ तो बता दो लो वाले में हमेशा क्या होगा मोटा 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 वेट गेन होता है इसमें वेट गेन क्योंकि इसमें लो मेटाबॉलिज्म होता है ठीक है यस yes, वेट गेन अब आते हैं हाशी मोटो इसमें एक और है हाशी मोटो हाशी मोटो क्या है बच्चों? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है याद रखना है नीट के लिए कैसा है बच्चों ये ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसके अंदर क्या है आप ही के जो एंटीबॉडीज है दैट विल किल थारॉयड फॉलिकल एंटीबॉडी किल फॉलिकल ठीक है तो इसमें क्या होगा लो हो जाएगा T3 T4 अब आते हैं फोर्थ सिंपल गोइटर कौन सा बच्चों सिंपल गोइटर सिंपल गोइटर में क्या है लो है आपका क्या लो है आपका आयोडीन जिसके कारण आपका टी थ्री कम हो जाएगा और एनलार्जमेंट यहां पे पूरा फूल जाएगा यहां इस वाले हिस्से में पूरा गला फूल जाएगा ठीक है अब आते हैं हाइपर सिक्रीशन वाले पे आ जाओ यहां पे लिखा होगा कहीं ना कहीं मैंने हाइपर सिक्रीशन ये हाइपर थारॉयडिजम जिसमें हो रहा है आपका ग्रेव डिजीज यानी कि एक्सोथेलमिक ग्वाइटर ठीक है

पहले बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है यस मजा आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हें मजा आना चाहिए पढ़ने में कोई भी चीज तुम्हारी स्किप नहीं होनी चाहिए कभी भी ठीक है अब आते हैं फिफ्थ पे बच्चों फिफ्थ है हमारा पैरा थायराइड ग्लैंड कुछ ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में करना बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ठीक है अब पैराथायरॉयड ग्लैंड पे जब हम आते हैं मेरे बच्चों तो सबसे पहले ओरिजिन जिसके ऊपर चिपका हुआ है सेम ओरिजिन है यानी कि इसका ओरिजिन भी क्या होगा एंडोडर्मल एक्टोडर्मल मेसोडर्मल इसका ओरिजिन भी क्या होगा बच्चों एंडोडर्मल होगा इसका ओरिजिन एंडोडर्मल ठीक है मेरे बच्चों दूसरी चीज इसकी लोकेशन फोर Dorsal lobes ऑन थायरॉइड ग्लैंड कितने हैं ये चार Dorsal लोब्स है कहां पे हमारे थायरॉइड ग्लैंड के पीछे Dorsal साइड पे ठीक है मेरे बच्चों यहां से जो हार्मोन आता है उसका नाम क्या है पैरथ हॉर्मोन अभी बता रही हूं उसका रोल बेटा पैरथ हॉर्मोन नाम है उसका क्या नाम है उसका पैरथ या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पीटीएच ये जो पीटीएच है ये कैसे काम करता है अभी मैं आपको समझाने वाली हूं ठीक है तो ये हो गया पैराथायरॉइड ग्लैंड अब आते हैं हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बॉडी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मैं बहुत सारे असर्शन रीजन आप लोगों के लिए बना सकती हूँ बहुत सारे असर्शन रीजन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म देखो दो साइड हो सकते हैं मेरे बच्चों दो चीज हो सकती है दो या तो कैल्शियम तुम्हारे शरीर में ज्यादा है क्योंकि तुम निकम्मे बहुत ज्यादा सीड सीड खा रहे हो अब सीड़ के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है ठीक है दूसरी चीज क्या है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है क्योंकि ना तुम सीड खा रहे हो ना ही तुम दूध पी रहे हो तुम बस निकम्मापन कर रहे हो तुम शायद कुछ ऐसी चीज पी रहे हो जो तुम्हें नहीं पीनी चाहिए ठीक है मेरे बच्चों तो आज आप दोनों केस देखते हैं मान लो कि तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तब बॉडी क्या करेगी अब जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा होता है तो बॉडी कहते है, भाई कुछ कर कुछ कर वरना क्या होगा स्टोन हो जाएंगे किडनी स्टोन तो कुछ करना पड़ेगा मेरे बच्चों तो बॉडी क्या करती है ही वो देखती है कि ये केस है तो जब ये ब्लड फ्लो करेगा थाइड ग्लैंड से जब ये ब्लड से गुजरेगा तो ग्लैंड करेगा ओके नोटेड सर ठीक है तो अब ये क्या करेगा इसके जो सेल्स है कौन से सेल्स है मेरे सेल्स है से मेरे बच्चों जो हमारे होगा हार्मोन जिसका नाम है टीसीटी क्या रिलीज होगा टीसी यानी कैलसी टोनिन क्या रिलीज होगा था कैलसी टोनिन ये रिलीज होगा ठीक है मेरे बच्चों अब जब ये टी, टी रिलीज होगा था निकलेगा तो क्या होगा ये जो हार्मोन है ये बोन पे जाके काम करेगा सारे के सारे कैल्शियम को डिपॉजिट कर देगा किसके अंदर बोन्स के अंदर। किसके अंदर डिपॉजिट कर देगा बोन्स के अंदर हो गया डिपॉजिट कैल्शियम तो ये मैं बोन वीकनिंग हार्मोन कहूं या बोन स्ट्रेंथनिंग हार्मोन कहूं क्या कहूं इसको ये जो हार्मोन है हमारा था कैल्सिटोनिन ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है तो जो था कैल्सिटोनिन है ये मेरा हाइपो कैल्सियमिक हॉर्मोन है क्योंकि ये कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है और फिर कैल्शियम जा कहा रहा है बोन के अंदर तो बोन को मजबूत कर रहा है तो ये हमारा बोन स्ट्रेंथनिंग हार्मोन है कैसा हार्मोन है बोन स्ट्रेंथनिंग हार्मोन है ठीक है अब आते हैं केस नंबर टू पे हा मैम आयरन मैन बन जाएगा भाई वो आयरन थोड़ी कह रहे हैं कैल्शियम मैन बन जाएगा बेटा जो भी सही मानने का लॉजिकल अब मान लो कि ब्लड में कैल्शियम की कमी है इसका एक सिम्टम बताऊ मेरे बच्चों तुम्हें एक सिम्टम बताऊ जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सिम्टम में बताऊं बाइटा आता है बाइटा आप कहेंगे मैम ये बाइटा क्या है नस पे नस चढ़ जाना एकदम से पेन बहुत एक्सक्रूसिएटिंग पेन आ जाना पैर के अंदर उसे कहते हैं बाइटा आ जाना ठीक है अगर या आप जब आलती मालती मार के बैठते हैं तो आपका पैर बहुत जल्दी सुन हो जाना बाल बहुत ज्यादा झड़ना एसिडिटी बहुत बनना ये सारे के सारे रीजन हो सकते हैं आपके लो कैल्शियम के कॉन्स्टिपेशन होना कैल्शियम की कमी से हो सकता है गैस बनना कैल्शियम की कमी से हो सकता है बाइटा आना कैल्शियम की कमी से हो सकता है आपके जल्दी हाथ पैर सुन हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से हो सकता है ये सब विजिबल सिम्टम्स है जो आपको पता होने चाहिए आपके अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है बाल झड़ जाना इज वन ऑफ द रीजन ठीक है तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अपनी बॉडी बॉडी के बारे में क्योंकि ऑलवेज गिव्स यू सिग्नल सिग्नल बस आपको उस को समझना है है ठीक यस तो, से, तो करेगा, ओके, अब मैं हार्मोन सिक्रिएट करता हूँ हॉर्मोन सिक्रिएट किया पीटीएच अब ये पीटीएच क्या करेगा ये कैल्शियम कहां से लेकर आएगा आपकी हड्डियों से यानी कि ये बोन रिजॉर्पन हार्मोन है ये आपकी बोन्स को कमजोर करेगा क्योंकि ये कैल्शियम कहां भरेगा ब्लड में तो अगर आपके कैल्शियम की कमी तो आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी और आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ठीक है बच्चों दूसरी चीज पे आ जाओ क्या करेगा ये जाएगा किडनी के पास किसके पास जाएगा किडनी किडनी के पास ये एक्टिवेट कराएगा कैल्सिट्रियोल कैल्सिफेरॉल या कैलसी ये है एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटमिन डी ये क्या है यह एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी ये जो विटामिन डी है जो भी आप खाना खाएंगे उसके कैल्शियम को एब्सॉर्ब कर लेगा तुरंत से ठीक है तीसरा क्या है ये जाएगा नेफ्रॉन के पास नेफ्रॉन से कहेगा भाई पीसीटी तुम मत कैल्शियम बाहर सुसु में बहा यार तू रख ले इस कैल्शियम को हमें जरूरत है इस कैल्शियम की ठीक है सो मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम पी सी टी ठीक है बच्चों? ये हो गया ये सारी की सारी चीजें जो हैं, क्या करेंगी ये सारी की सारी चीजें मिलके आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगी तो ये जो पीटीएच हार्मोन है इसे मैं हाइपर कैल्स कहूं या हाइपो क्या कहूं मेरे बच्चों बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में क्या कहूं बच्चों इसको क्या कहूं यस yes. तो ये जो पीटीएच है हमारा अरे ये जो हमारा पीटीएच हार्मोन है ये हमारा है हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन कैसा हार्मोन है ये बच्चा हमारा हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है ठीक है दूसरी चीज आ जाओ ये जो हमारा पीटीएच है हाइपरकैल्सिमिक तो हो ही गया चलो बहुत बढ़िया ये बोन स्ट्रेंथिंग है या बोन वीकनिंग है ये भी रीजन हो सकता है ये हमारा क्या है ये हमारा बोन वीकनिंग हॉर्मोन है क्या है हमारा बोन वीकनिंग हॉर्मोन ठीक है यस एक बार गेट खोलू भाई आ जाओ ये हो गया पूरा ग्लैंड समझ में आ गया कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को यहां पे पांच ग्लैंड अब हम कर चुके हैं यहां तक हम कर चुके हैं अब हम आ रहे हैं थाइमस के पास ठीक है पीनल हम कर चुके हैं मेरे बच्चों अब हम थाइमस ग्लैंड के पास आ रहे हैं भी कहा है यही दिल के पास है ये पूरा एरिया क्या है एंडोडर्मल तो ऐसे याद रखेंगे ये पूरा एरिया एक्टोडर्मल ये पूरा एरिया एंडोडर्मल तो यानी कि इसका ओरिजिन भी क्या है एंडोडर्मल हार्ट के पास होता है जो हार्मोन यहां से निकलता है उसका नाम थाइमोसिन है क्या नाम है उसका थाइमोसिन इसका फंक्शन क्या है थाइमोसिन का काम होता है मेचोरेशन ऑफ टी टीलिम्फोसाइड

चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं ये है हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस ठीक है अब आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड ये भी हमने कर लिया है एड्रिनल ग्लैंड भाई इसको आप समझना नेक्स्ट ग्लैंड जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड इसको भी मैं ढंग से समझाऊंगी यस yes, मैं समझाऊंगी अच्छे से डोंट वरी मैम विल एक्सप्लेन मैम पूरा खुद से डायग्राम बनाएगी इसका क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आ जाओ भाई यहाँ हैं एड्रीनल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं रीनल ग्लैंड या हम इसको बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड ये इसके सबके नाम है बच्चों किसी भी नाम से सवाल आ जाता है नीट में सवाल तो वही है बाय उतनी है सवाल कहीं से भी आ जाता है है ना मेरे बच्चों चलिए तो ये हो गया योग्रीनल ग्लैंड सुप्रा रीनल एंड इमरजेंसी ग्लैंड अब इस ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं ये देखिए ये ये है है इसकी लोकेशन हमारा ग्लैंड ग्लैंड इस में जो बाहर वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं कॉर्टेक्स या मेड्यूला क्या कहते हैं बाहर वाले हिस्से को जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं बाहर वाले हिस्से को कहते हैं कॉर्टेक्स जबकि अंदर वाला जो हिस्सा है इसे क्या कहते हैं बच्चों मेड्यूला कहते हैं क्या कहते हैं इसको मेड्यूला कॉटेक्स एंड मेड्यूला ठीक है आप देखो जरा ध्यान रखना है Cortex से आते हैं हमारे हॉर्मोन्स और मेड्यूला से आते हैं हमारे इमरजेंसी हॉर्मोन्स ये चीज याद रखनी है अब अगर इसका सेक्शन बनाए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे सेल्स देखो डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा एक सेकेंड बनाएंगे पढ़ाएंगे बिल्कुल बढ़िया से नो शॉर्टकट्स इन पढ़ाई बच्चों को लगना चाहिए कि बिल्कुल शानदार तरीके से मैम ने एक बार करा दिया है इसके बाद जो है पंद्रह मिनट की जो रिवीजन सीरीज आएगी उसमें बच्चों का एक बार और रिवीजन करा देंगे है ना बच्चों आज आप आए अपने त्योहार वाले दिन यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो चलिए ये हमारी तीन लेयर्स हैं ये सारा क्या है ये सारा हमारा है कॉर्टेक्स इतना हिस्सा क्या है कॉर्टेक्स और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो क्या है हमारा मेड्यूला वो क्या होगा बच्चों हमारा मेड्यूला ठीक है अब जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये वाली इसे क्या कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा क्या कहते हैं इसे जोना ग्लोमेरुलोसा ठीक है बीच वाली जो लेयर है इसे हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा क्या कहते इसे जोना फेसिकुलेटा और जो ये तीसरी लेयर है इसका नाम है जोना रेटिकुलरिस क्या नाम है इसका जोना रेटिकुलरिस ये तीन हो गए मेरे बच्चों अब इसमें से वाइडेस्ट लेयर कौन सी है सबसे वाइडेस्ट लेयर कौन सी ये बता दो विच इज अ वाइडेस्ट लेयर हां जी हम्म कौन सी है ये हमारी वाइडेस्ट लेयर ये हमारी वाइडेस्ट सबसे चौड़ी लेयर ठीक है ये हमारी मेड्यूला हो गई अब आ जाओ हार्मोन्स पे कौन सी लेयर कौन सा हार्मोन बनाती है जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन बनाएगी मेरे बच्चों मिनरेलो कॉर्टिकॉइड कौन सा बनाएगी मिनरेलो कॉर्टिकॉइड ये जो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है इसका एग्जाम्पल कौन सा है जो सीधा डीसीटी पे काम करता है उसका नाम है एल्डोस्टिर क्या नाम है मेरे बच्चों उसका नाम है एल्डोस्टिर ठीक है ये नाम है अब आ जाओ नेक्स्ट में जोना फेसिकुलेटा फेसिकुलेटर से आते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन आते हैं बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो है हमारा कोर्टिसोल आज जाओ कोर्टिसोल के जरा फंक्शन कर ले डिटेल में बाबू आओ डिटेल में फंक्शन कर ले कोर्टिसोल के आ जाओ कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन यस और नो स्ट्रेस हार्मोन यस और नो यस मेरे बच्चों क्या ये स्ट्रेस हार्मोन है या नहीं जल्दी बताइए बिल्कुल है स्ट्रेस हार्मोन पूरे साल नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बॉडी में तो कॉर्टिसोल ही रिलीज हो रहा होगा पेपर वाले दिन रिलीज होगा इमरजेंसी हार्मोन ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस के दो तरीके पहचानने के जो बॉडी के सिम्टम्स हैं ध्यान से सुने सब बच्चे दो सिम्टम्स हैं ठीक है एक सिम्टम है एब्डोमिनल फैट जो नीचे की तरफ पेट आता है ठीक है बच्चों लड़कों में भी आता है ऐसी बात नहीं है दूसरी चीज विजिबल सिम्टम इस एरिया में पिंपल्स रहेंगे और बाल रहेंगे yes, इस वाले एरिया में अगर ये दो विजिबल सिम्टम है, मतलब योर बॉडी स्ट्रेस एक्सट्रीम स्ट्रेस आपका सबसे पहला पेट नीचे का बढ़ना शुरू होगा ना कि ऊपर का या कहीं का ठीक है यस yes, पिंपल्स ऑन दिस एरिया दिस दिस इज योर स्ट्रेस एरिया ये ये वाला यहाँ पे ठोडी के जो पिंपल्स होते हैं ठीक है मेरे बच्चों यहाँ के जो पिंपल्स होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेगुलरिटी से होते हैं ठीक है यहाँ के जो एक्ने आते हैं वो प्यूबर्टी से रिलेटेड होते हैं इसलिए वो यहाँ पे सबसे ज्यादा आते इस एरिया में ठीक है बच्चों यस आ जाओ भाई हाँ ओरिजिन मैं बताती हूँ बेटा कॉर्टेक्स और उसका अभी बताती हूँ बेटा डोंट वरी अभी बताती हूँ स्लाइड पे जाके अब आज स्ट्रेस हार्मोन क्या करे जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो एनर्जी चाहिए जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहां से आएगी जब वी वीव इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा इंक्रीज प्रोटीलिस प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि जब हम ग्लूकोज रहे फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिक ब्लड प्रेशर क्या होगा जल्दी 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 ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेस की कंडीशन में ब्लड प्रेशर क्या होता है जिसको इंक्रीज हो जाता है ठीक है यस yes. अब आ जाओ नेक्स्ट ब्लड प्रेशर क्या ये इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है मेरे बच्चों यस इट एक्ट एस इम्यूनो सप्रेसेंट यानी कि जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है आप जल्दी बीमार होंगे इफ यू आर इन स्ट्रेस आप जल्दी बीमार होंगे as कंपेयर टू अ पर्सन हु इज नॉट इन स्ट्रेस दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट पे और क्या करता है ये yes, मेरे बच्चों और क्या काम है इसके विड्रॉल ऑफ डब्ल्यू जो साइट ऑफ इंफेक्शन है वहां से डब्ल्यू को विड्रॉ कर लेता है ठीक है और भाई और भाई और क्या काम है इसके एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन यस आरबीसी फॉर्मेशन को ये प्रमोट

आपने सुना है सब कि जो भी शुगर डायबिटिक पेशेंट होता है उससे कहते हैं यार तू तो कुछ भी कर दो स्ट्रेस मत ले बस क्यों स्ट्रेस प्रोसेस स्टार्ट शुगर बढ़ गया आपके ब्लड का जैसे ही ब्लड का शुगर बढ़ता है बात खत्म यही तो नहीं करना यही तो नहीं करना तो डायबिटिक पेशेंट को इसलिए कहते हैं कि आप स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि अगर आप प्रोलॉन्ग स्ट्रेस सिचुएशन में तब भी आपको डायबिटीज हो जाएगी Because you are giving them signal. बहुत खतरनाक है ये बच्चों का स्ट्रेस है आज मैं यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ ये भी एक स्ट्रेस हो सकता है बट नहीं मिलने नहीं है आई एम वेरी हैप्पी ठीक है ये yes. तो कोई भी हो सकता है बट वी नीड टू मेक श्योर वी आर नॉट इन स्ट्रेस ट्राई टू लिव दैट मूवमेंट इन ऑफ गोइंग इन टू स्ट्रेस ठीक है मेरे बच्चों तो ये सारे फंक्शन है उसके बाद अच्छा कॉर्टेक्स का ओरिजिन है मीजोडर्मल मेड्यूला का ओरिजन है एक्टोडर्मल ठीक है मेरे बच्चों ये मैंने लिख दिया अब जोना रेटिकुलारिस यहां से आते हैं गोनाडोट्रॉफ गोनाडो कॉटिकॉइन्स

वही लड़कों के इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं जब वो होते हैं समझ में आया नहीं आया मैं आपको सारी जनरल चीजें बता रही हूं इस लेक्चर में जैसे कि आप अपनी जिंदगी को सिर्फ पढ़ाई में ना झोंके बल्कि आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दें यस yes, बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फिटनेस इस पूरे चैप्टर को जब आप अपनी जिंदगी में ढाल लेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है तब यू विल रियलाइज तब आपके असोशन रीजन निकलेंगे क्योंकि आप जी रहे होंगे इन सबको यस yes. ठीक है बच्चों तो यहाँ पे लड़कों के अंदर एस्ट्रोजन बनना शुरू तब होता है जब वो मोटे होने शुरू होते हैं जितना वो बीज होता जाएगा उतना एस्ट्रोजन बनता जाएगा उतना ज्यादा डिपोजिशन ऑफ फैट मेमरी ग्लैंड और, और बैक्टेरिया में होता जाएगा दिस इज अ कंप्लीट साइकिल आपको फिट रहना होगा व्हाट इज ओबीस मोटापा ठीक है यस yes. जो जिम करते हैं वो जो जिम करते हैं वो बहुत फिट होते हैं फिटनेस। बट अगर फिटनेस कर रहे हो, तो वो भी सही नहीं है क्योंकि हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं इमरजेंसी हार्मोन्स जिसके हमारे एड्रन और नॉर एड्रीन आता है ठीक है ये बच्चों मैं आपको बता रही हूँ बच्चों अभी हाल ही का मैं अपना केस बताऊं तो मेरी फिटनेस इस टाइम जीरो थी दो साल मैं आफ्टर डिलीवरी मैंने बिल्कुल अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया लाइक like, नहीं पढ़ाना है बच्चे हैं ये है वो है बट जब से मैंने अपना ब्रांड चेंज किया मुझे टाइम मिला मुझे एक स्केड्यूल मिला और मैंने अपनी फिटनेस पे काम किया अब ले लॉस्ट 7.5 जी इन टू मंथ्स यस मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत फिट फील करती हूँ फ्रॉम द मोमेंट आई वेट मेरी एनर्जी ज्यादा हो गई है पढ़ाने की मेरी कंसिस्टेंसी ज्यादा हो गई है मेरा स्ट्रेस कम कम हो हो गया है मेरे बाल झड़ने गए हैं मैं आपको पूरे अपना लाइव एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि ये भी जरूरी है अपना टाइम निकालिए अपने शेड्यूल में से तभी आप देखना आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी आप ज्यादा मन लगा के पढ़ेंगे आप ज्यादा फोकस होके पढ़ेंगे उस दिन के बाद से यस हम्म तो और मैं सच बताऊ मैंने कुछ नहीं किया योगा किया वॉकिंग की और नो डाइटेशन नथिंग खुद से अपना डाइट प्लान किया जिसमें सिर्फ हेल्दी ईटिंग बाहर की कोई ईटिंग नहीं बस यस वो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों तो ये बहुत जरूरी है और मैं इसका क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप पहले जैसे होने की कोशिश पहले मैं बहुत चिढ़ती थी कि यार इन लोगों को तो मेरी पढ़ाई से मतलब नहीं है मेरे से मतलब है बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि ये बच्चे सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे भले के लिए कह रहे हैं Yes. तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी मैंने आप ही को अपना मोटिवेशन लिया तो क्या पता आप मुझे आज मोटिवेशन मोटिवेशन ले ले अपने लिए यू टेक मी योर तो मैंने जो वेट रिड्यूस किया उसका ऑल गोज टू माई किड्स बच्चों ठीक है yes, बच्चों. चलो अब आ जाओ अब आते डिसऑर्डर्स की बात अमाउंट ऑफ एल्डोस्टिरोन इंक्रीजेस

ये जो हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है इसके पास दो हिस्से होते हैं एक होता है पेनक्रियाटिक एसीनाई एक हिस्सा क्या होता है बच्चों इसका पेनक्रियाटिक एसीनाई जो पेनक्रियाटिक एसीनाई हिस्सा है, है वो क्या बनाता है पेनक्रियाटिक जूस बनाता है क्या बनाता है वो पेनक्रियाटिक जूस वहीं पे जो हमारा दूसरा हिस्सा है एंडोक्राइन हिस्सा वो हमारा आइलेट ऑफ लैंग्रेंस जो सिर्फ मात्र वन से थ्री होता है सिर्फ इतना ही होता है ठीक yes. है इंक्रीज ब्लड शुगर यानी कि अगर क्या शुगर मेरा कम है मुझे चक्कर आ रहे हैं तो उसी टाइम पे ग्लूकागोन जो है शुगर के लेवल को इंक्रीज कर देगा ठीक है बच्चों फिर आते बीटा सेल बीटा सेल की बात करें तो क्या है इंसुलिन क्या है बच्चों इंसुलिन ये जो हमारा इंसुलिन है ये ब्लड शुगर को कम करता है ये हमारा क्या है हाइपोग्लाइसमिक ये क्या हमारा हाइपोग्लाइसमिक हार्मोन है ठीक है इसके साथ साथ जो इंसुलिन है उसको और भी काम होते हैं फैट डिपोजिशन भी करता है क्या करता है ये ये हमारा फैट डिपोजिशन भी करता है फैट डिपोजिशन ठीक है फिर आते हैं एसेट सोमैटोस्टैटिन डायबिटीज मेलेटस ठीक है मेटोबोलिज्म ऑफ कैल्सियम डन चैप्टर डन यहां पे क्योंकि ओवरीज और जो है वो मैं में कवर करा देती बट देर आर देर इज वन मोर टॉपिक विच इज तक नहीं हुआ है वो हम करेंगे अभी हॉर्मोन्स ऑफ जी आई ट्रैक हॉर्मोन्स ऑफ जी आई ट्रैक गैस्ट्रो ट्रैक ये वाला टॉपिक आपने देखा होगा क्योंकि अब ये चैप्टर नहीं है तो हमें यहीं पे करना होगा बच्चों ठीक है चलिए आइए यस yes. मैंने कहा था बच्चों अब हम थोड़ा स्पीड में ही करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अब दस दस घंटे के सेशन लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बच्चों में इतने पेशेंस है ही नहीं अब हाँ सच में अब बच्चों में इतने पेशेंस है नहीं कि वो इतनी देर तक बैठे रहे

ये जो हमारा सिक्रेटिन हार्मोन है ये किस पे काम करता है लिवर पे प्लस पैनक्रियास पे किस पे काम करता है लिवर और पैनक्रियास और यहां से लेकर आता है बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आयन एंड वॉटर क्या लेकर आता है बाय कार्बोनेट आयन एंड वॉटर दूसरा जो है जो कि नीट का पीवाई क्यू क्वेश्चन भी रह चुका है सी सी के कॉलेटो काइनिन एंड पैनक्रियो जाइमिन ये याद आया बच्चों ये पीवाई क्यू क्वेश्चन याद आ रहा है ठीक है? याद आया कि नहीं आया सबको ये तो ये जो हमारा हॉर्मोन है ये किस पे काम कर रहा है गोल ब्लैडर पे और काम कर रहा है ये पैनक्रियास पे गोल ब्लैडर से क्या आता है बच्चों कौन सा हार्मोन, कौन सा जूस आता है बाइल जूस आता है यहां से कॉन्सेंट्रेटेड वाला पैनक्रियास से लेकर आता है ये पेनक्रियाटिक जूस ठीक है बच्चों ये दो तो लिखे हुए हैं एनसीआरटी ने इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कि जी आई पी जी आई पी स्टैंड फॉर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिटरी पेप्टाइड जी आई पी ये जो हार्मोन है ये किस पे काम करेगा बच्चों ये काम करेगा हमारे किस पे स्टमक पे गैस्ट्रिन पे ठीक है तो बेसिकली इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस को निकलने नहीं देगा पेट में ठीक है बच्चों फिर आते हैं नेक्स्ट वी आई पी वेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड ठीक है ये जो है हमारा वेसो एक्टिव ये क्या करेगा ये वेसो डायलेट करता है हमारे ब्लड वेसल्स को जैसे कि ज्यादा ब्लड आए और उसमें ज्यादा जो फूड है हो सके ठीक है बच्चों चलिए ये हो गया हमारे हॉर्मोन्स पूरे के पूरे यहाँ पे अब हम कह सकते हैं तो बिल्कुल बाहर आ जानी चाहिए यस yes. मैम पहले डाइजेशन चैप्टर में करवा दी थी हाँ बच्चों अब डाइजेशन दागे। चैप्टर नहीं रहा तो यहीं पे करना पड़ेगा यस yes. चलो भाई जल्दी 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 आंसर्स की भीड़ बाढ़ लग जानी चाहिए एरिथ्रोपोइटिन हॉर्मोन्स विच स्टूमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय हमारी किडनी आंसर नंबर फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आंसर भी दिया है नेक्स्ट चले हॉर्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर थायरॉइड ऑक्सीड जाना जाना ओ जाने जाना, पास चलो next. Next, next, next. Match करेंगे सब के थोड़ा सा इससे पता लगेगा कि हमने कितने कितने अच्छे अच्छे से से पढ़ा है कितने अच्छे से नहीं पढ़ा है चलिए जल्दी बताइए बच्चों पेप्टाइड प्रोटीन बायोजेनिक मीन एपिनेफ्रिन एंड डॉल्फिन डी का वन जो सबसे पहले ये देखो बस खत्म गेम ओवर ज्यादा सॉल्व करने में दिमाग लगाना ही नहीं है <laughs> गेम ओवर कर दो फटाफट से यस पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से डिजीज हो रही है एडिसंस थारॉइड ग्लैंड से कौन सी हो रही है ग्रेव्स एड्रीनल ग्लैंड से कौन सी हो रही है एक सेकेंड एड्रीनल से एडिसन हो रही है ठीक है पैनक्रियास मेलिटस ये हो गया ए का हो गया थ्री बी का हो गया वन फोर है आंसर फोर 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 चलो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन गाइस सब इंटर रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे मोस्टली आपको इंटर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ

चलो यस टू मिनट ब्रेक ले लो हाय ट्वेल्व फोर्टी शुरू करते हैं टू मिनट ब्रेक हाँ दो मिनट का तो चाहिए यार अपने आप को तैयार करने के लिए हम्म Yes. जाना ओ जाने जाना बैठ जाओ ना हाँ सही कह रहे हो और दो मिनट बैठ जाते हैं फिर शुरू करते हैं टू मिनट्स में खड़े खड़े पैर दुख जाते हैं करें स्टार्ट बच्चों चले लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर टू आ जाओ करते हैं बच्चों यस आ जाओ बच्चों एक सेकंड बच्चों मैम का मैसेज आया है उनको कुछ आ... चलो भाई स्टार्ट करते हैं आ जाओ अरे सर बच्चे गए बच्चे गए पढ़ना नहीं है तुमको चलो टू मिनट ब्रेक ओवर सांस मिल जाती है यार बस टीचर को दो मिनट क्योंकि आप देखो स्पीड से स्टार्ट करेंगे चलिए आ जाइए हाँ टू मिनट डन चलो भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आ जाओ अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन

तो क्या होता होता है इसके दो है एक है बच्चों हमारा हमारा जो इसके अंदर दो एक और दूसरा हमारा spinal cord. दूसरा क्या बच्चों हमारा spinal cord है ठीक है वही पीएनएस की बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तो इसमें हमारे पास एक है विसरल नर्वस सिस्टम एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और तीसरा है हमारा एएनएस तीन सिस्टम है जो हमें इसमें पढ़ने हैं तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम किससे कनेक्टेड होता है यस yes, मेरे बच्चों सोमेटिक नर्वस सिस्टम किससे कनेक्टेड होता है यस गाइस ये कनेक्टेड होता है हमारी स्केलेटल मसल से किससे कनेक्टेड होता है ये हमारे स्केलेटल मसल से वहीं पे विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम किससे कनेक्टेड होता है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि viscera से कैसे होता है विसराज या इंटरनल ऑर्गन से होता है ठीक है मेरे बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये वो सिस्टम है जो खुद से, से काम करता है अपनी मर्जी से काम करता है यस इसमें दो सिस्टम है हमारे एक सिस्टम कौन सा बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है यस yes, गाइस एक हमारा सिंपथेटिक और दूसरा हमारा पैरासिंपथेटिक दूसरा कौन सा हमारा पैरासिंपथेटिक तो अगर सिंपथेटिक सिस्टम की बात करें तो सिंपथेटिक सिस्टम जो है बच्चों हमारा ये वो सिस्टम है जो कब काम करता है इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है कब काम कर रहा है इमरजेंसी सिचुएशन तो इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हो सकता है फाइट फ्लाइट फ्लाइट फाइट या तो भगा ले जाओ या उड़ा ले जाओ या डर जाओ अपने प्यार के लिए ठीक है यस yes. तो ये हमारा फ्लाइट ठीक है फ्लाइट या फाइट इन तीनों में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा जबकि पैरासिंपैथेटिक कब होता है रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम कौन सा होता है ये हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम होता है ठीक है मेरे बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ अब ये हो गया दो तरह के फाइबर्स लिखे हैं एनसीईआरटी ने कितने तरह के फाइबर्स लिखे बच्चा पार्टी दो तरह के फाइबर्स लिखे हैं एनसीईआरटी ने एक है हमारा एफ्रेंट और दूसरा है हमारा इ e फ्रेंड दूसरा कौन सा हमारा इंड ठीक है ए फ्रेंड कौन सा है जो सिग्नल लेके जा रहा है सिग्नल लेके आ रहा है बता दो भाई कौन सा है जो सिग्नल लेके जा रहे हैं सिग्नल लेके आ रहा है कौन सा है अवे यस तो यहां पे जो सिग्नल है ये लेके जा रहा है ऑर्गन से सीएनएस के पास यही है एम आई राइट और रॉन्ग ठीक है जबकि ई फ्रेंट वाला सिग्नल के पास लेके जाता है ये देखिए फर्क देख रहे हो दोनों में तो क्या मैं इसको सेंसरी सेंसरी फाइबर फाइबर कह सकती हूं मेरे बच्चों ठीक है और ई फ्रंट वाले को क्या मैं मोटर फाइबर कह सकती हूँ आप कहेंगे यस मैम बिल्कुल कह सकते हो कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है ये हो गया सेंसरी फाइबर एंड ई फ्रेंट फाइबर ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये तो हो गया हमारा शुरू का इंट्रोडक्शन ठीक है yes. यस अब आ जाओ इंट्रोडक्शन पे चलो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ठीक है थीके? आ जाओ सबसे पहले आज की क्लास में करेंगे न्यूरॉन डायग्राम बनाए या ना बनाए किलर डायग्राम वेटिंग और नॉट चलिए आइए एक बार डायग्राम बनाते हैं आ जाओ तो भाई देखो डायग्राम तो बिल्कुल शानदार बनाना पड़ेगा बच्चे चाह रहे हैं कि मैम शानदार डायग्राम बना लिए जाए ये देखिए ये देखिए पहले तो बताओ मैम बिल्कुल जन्नाटेदार डायग्राम बनाए हो आज आप यस बोल दो यार एक बार चैट सेक्शन में कि मैम बिल्कुल जन्नाटेदार टाइप बनाए हो मैम बिल्कुल मजा सा आ गया मजा आया नहीं आया मैम मजा आना चाहिए डायग्राम देखते ही है ना मेरे बच्चों ये देखिए ये देखो ये देखो ठीक है यस yes. अब आते हैं नेक्स्ट पे अब बच्चों जरा लेबलिंग का पार्ट है बिल्कुल सबको ध्यान से बताना है बिल्कुल ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है ये जो न्यूरॉन है इसका जो ऊपर का हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं पेरिकेरियन क्या कहते हैं पेरिकेरियन या इसे कहते हैं साइटोन या इसे कहते हैं सेल बॉडी क्या कहते हैं इसे सेल बॉडी जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसको एग्जॉन कहते हैं और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं एग्जॉन टर्मिनल कहते हैं क्या कहते हैं इसको एग्जॉन टर्मिनल ठीक है बच्चों यस ये जो है ये हमारा क्या साइनाप्टिक बल्ब ये क्या बच्चों ये हमारा साइनाप्टिक बल्ब अब यहां पे सबसे पहले ये जो है ये जो चीरफार्ट स्ट्रक्चर है इनको क्या कहते हैं डेंड्राइट्स क्या कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स ये जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं इसके पास रिसेप्टर होते हैं यस क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं ये जो रिसेप्टर होते हैं किससे जुड़ते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से तो इसके पास क्या होता है रिसेप्टर्स होते हैं और ये जो रिसेप्टर्स है किससे जुड़ते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से

आर ई आर से तो यानी कि यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है किसका काम चल रहा है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है यहाँ पर ठीक है बीच में जो गोला बिंदी नुमा स्ट्रक्चर है ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा न्यूक्लियस है क्या इस न्यूक्लियस के अंदर आसपास सेंट्रियल होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ चार्ट बॉक्स में क्या सेंट्रियल होगा या नहीं होगा यह रीजन है यहां पे सेंट्रियोल एबसेंट सेंट्रियोल क्या है एबसेंट सेंट्रियोल एबसेंट होता है इसलिए न्यूरॉन नेवर डिवाइड्स इसलिए न्यूरॉन नेवर डिवाइड्स यस ठीक है बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पे ठीक है अब उतरते हैं नीचे की तरफ ये हमारा एक्जोन है एक्जोन के भी भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसका नाम है एक्सोलेमा तो एक्सोलेमा क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्जोन इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा इसी एक्सोलेमा के पास एक व्हाइट कलर की शीत लगी हुई है क्या लगी हो व्हाइट कलर की शीत लगी हुई है ये जो व्हाइट कलर की शीत है इसका नाम क्या है बच्चों ये व्हाइट कलर की शीत का नाम क्या है जल्दी बता दो इसका नाम है आपका माइलिन शीत क्या नाम है बच्चों इसका माइलिन शीत इसका नाम है ये जो माइलिन शीत है ये पीएनएस में कौन बनाता है यही माइलिन शीत पीएनएस में कौन बनाता है बच्चा पार्टी शुआन सेल कौन बनाता है पीएनएस में श्वान सेल बनाता है जबकि यही माइलिन शीट सीएनएस में कौन बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है कौन बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है ठीक है ना ये याद रखना है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो अब आगे चलते हैं जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है वहां पे प्रेजेंट होता है रणवीर सिंह ठीक है यानी कि ये पॉइंट जहां पे शीथ एब्सेंट है इसे क्या कहते हैं नोड ऑफ रणवीर सिंह नोड ऑफ रैनवियर ठीक है ये वो हिस्सा है जहां पे माइलिन शीत इज एबसेंट क्या एबसेंट है यहाँ पे माइलिन शीत एबसेंट होती है ठीक है इसके अंदर एक क्या है साइटोप्लाज्म है ये इसका भी साइटोप्लाज्म है ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसको क्या बोलते हैं एक्सोप्लाज्म क्या बोलते हैं इसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं इसको ठीक है फिर आते हैं साइनेप्टिक बल्ब इसके अंदर क्या होते हैं साइनाप्टिक वेसिकल होता है क्या होता है इसके क्या क्या भरा होता है बताइए जल्दी से बॉक्स में क्या भरा होता, भर होता, भर होता है इसके अंदर भरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर क्या, क्या भरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर ठीक है स्ट्रक्चर क्लियर हो गया जल्दी से बताएंगे सब बॉक्स में यस इज द स्ट्रक्चर क्लियर टू एवरी वन न्यूरोन का स्ट्रक्चर डन अब आते नेक्स्ट पे न्यूरोप भी कराएंगे कुछ कराएंगे क्योंकि क्लास ऑफ जी स्क्वेर आई डोट कॉम्प्रोमाइज विद्वालिटी देखो बेटा पूरा बोर्डवर्क पे पढ़ाने में टेक्स लॉर्ड ऑफ मेहनत ट्रस्ट मी बहुत मेहनत लगती है सेटअप में पढ़ाने में आ जाओ तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दो होते हैं देखो दो सिग्नल होते हैं ना प्रीति मान लो प्रीति को एक सिग्नल आया प्रीति कहेगी ओ माय गॉड गुड हंसी तो हंसी ठीक है वहीं पे एक महक के पास सिग्नल गया वो कहेगी मारेंगे तुमको आंख मारी तो ठीक है तो यहाँ पे वो नहीं फंसी दो तरह के सिग्नल है देखो बेटा दो तरह के एक एक्साइटेटरी सिग्नल है एक इनबिटरी सिग्नल है तो लाइफ में हमेशा याद रखना दो तरह के सिग्नल है एक सिग्नल है हमारा एक्साइटेटरी सिग्नल और दूसरा है हमारा इनहिबिटरी सिग्नल कौन सा हमारा इनहिबिटरी सिग्नल ठीक है जो हमारा एक्साइटेटरी सिग्नल है जो हमारा एक्साइटेटरी मतलब कि दिस विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल इट विल जनरेट सिग्नल ये क्या करेगा इट विल जनरेट सिग्नल ये सिग्नल को जनरेट करेगा ठीक है वहीं पे अगर इनहिबिटरी की बात करें तो इनहिबिटरी क्या है बच्चों ये सिग्नल को जनरेट नहीं करेगा नो no सिग्नल ये सिग्नल को वहीं रोक देगा ये आगे नहीं करेगा ये है इनका मेन फंक्शन इसके एग्जांपल ठोको चैट बॉक्स में एक्साइटेडरी का एग्जांपल एसिटाइलकोलीन ठीक है यस क्या है इसका एग्जांपल एसिटाइलकोलीन दूसरा एपिनेफ्रिन, तीसरा नॉर ये सारी के सारे जो है हमारे एक्साइटेटरी न्यूरो बिटरी पे जो काम को रोकेगा एग्जाम्पल गाबा गाबामिनो ब्यूटायरिक एसिड फिर डोपामिन रिलैक्स मोड पे ले जाएगा तुम्हें किसमें ले जाएगा रिलैक्स मोड पे यानी कि आ गया डोपामिन फिर कौन सा है मेरे बच्चों डोपामिन के बाद ये कौन सा है ग्लाइसिन कौन सा है ग्लाइसिन ये सेरोटोनिन ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट पे टाइप्स ऑफ जंक्शन कौन कौन से जंक्शन प्रेजेंट होते हैं कितने तरह के जंक्शन लिखे एनसीईआरटी में फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी कराऊंगी कितने टाइप के जंक्शन होते हैं यस yes, मेरे लाल कितने टाइप के दो टाइप के कितने टाइप के ये भी दो टाइप के ठीक है एक होते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल साइनाप्स दूसरे होते हमारे केमिकल साइनाप्स. दूसरे कौन से होते हैं हमारे केमिकल साइनाप्स ठीक है पहले तो इनके नाम लिख लेते हैं अब आज जरा बनाते हैं डायग्राम ये देखा ये एक न्यूरॉन था ये देखा ये एक न्यूरॉन है बाबू ये एक न्यूरॉन ये दूसरा न्यूरॉन ये देखिए ये वन ये टू इन दोनों के बीच में जंक्शन है कौन है वो कौन है वो यस yes. वो है गैप जंक्शन कौन सा जंक्शन है बच्चों ये वाला ये वाला कौन सा जंक्शन है इसे हम कहते हैं गैप जंक्शन कौन सा जंक्शन है गैप जंक्शन तो ये न्यूरॉन वन न्यूरॉन टू दोनों के बीच में जंक्शन है जिसका नाम है गैप जंक्शन इस जंक्शन के कारण क्या हो रहा है जो भी सिग्नल यहाँ पे है, वो देखो बहती हवा हाँ सा था वो देखो कोई ब्रेक नहीं लगा कोई ब्रेक नहीं था जहां से सिग्नल चला यहां तुरंत से पहुंच गया नो ब्रेक इन लाइफ फटाफट से सिग्नल पहुंचता हुआ फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरोन तो यहाँ पे फास्टर कंडक्शन है फास्टर ट्रांसमिशन है क्या है बच्चों यहाँ पे फास्टर ट्रांसमिशन है सिग्नल का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन बट ये कहा मिलते हैं ये मिलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कब मिलते हैं ये वाले सिग्नल्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलते हैं बड़े होके इसलिए तुम स्लो हो जाते हो लाइफ में कई बार बच्चे पूछते हैं मैम याद क्यों नहीं हो रहा है ही नहीं। ये है तुम्हारे पास ठीक है केमिकल वाला ब्रेक ब्रेक दे दे के ट्यूबलाइट की तरह काम करता है भाई ये ठीक है कैसे चलिए आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं आज और डायग्राम बनाते हैं इसका ये देखे ये है हमारा मोटर न्यूरोन ठीक है ये मोटर न्यूरोन है और ये भी हमारा दूसरा न्यूरॉन है यहां से नीट का पीवाई क्यू क्वेश्चन आ चुका है तो आइए इसका डायग्राम बढ़िया सा बना ठीक है ये, ये देखिए अब ध्यान से देखिएगा सब एवरीवन सबकी आंखें से बोर्ड पे होनी चाहिए ठीक है बच्चों यस yes, आ जाओ मैम डू यू हैव एनी ऑफलाइन सेंटर नो बेटा आई डोंट टीच ऑफलाइन नाउ एंड आई डोंट वांट टू टीच ऑफलाइन एज वेल पढ़ा ले मुझे ऑनलाइन में अच्छा लगता है अब मेरे को ऑफलाइन में नहीं अच्छा लगता पढ़ाना मुझे पता नहीं क्यों ऑनलाइन ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन के लिए ही बनी थी सो आई एम मोर यू नो हैप्पी विद ऑनलाइन ठीक है यस yes. अब आ जाओ यहाँ पे ये एक न्यूरॉन ये दूजा न्यूरॉन दोनों के बीच में पहले बताओ क्या है गैप है जंक्शन नहीं है गैप दूरिया है इस दूरियों का नाम क्या है साइनाप्टिक क्लेफ्ट दूरियों का नाम क्या है बच्चों साइनाप्टिक क्लेफ्ट नाम है दूरियों का ठीक है साइनाप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर वाली मेमब्रेन का नाम क्या होगा प्री साइनाप्टिक मेमब्रेन फिर जहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट है यानी क्लेफ्ट के नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या होगा पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन समझ में लगा या नहीं लगा ठीक है अब नीट का क्वेश्चन 2018 का आखिर ये जो रिसेप्टर होते कहां प्रेजेंट होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर प्री साइनाप्टिक पे या पोस्ट साइनाप्टिक पे कहां पे प्रेजेंट होते है? यही नीट का क्वेश्चन था भाई लोगों

मतलब कि इसके अंदर जो धड़ती आत्मा है वो इसे यहां भेजनी है कैसे भेजेगा देख यहाँ तक सिग्नल आएगा, सिग्नल के कारण कैल्शियम वोल्टेज बाहर से अंदर आ जाएगा कैल्शियम क्या होगा बाहर से अंदर आ जाएगा जैसे कैल्शियम बाहर से अंदर आता है ये कहता है धक्का लगाता है कि चलेट निकले यहां से बक ठीक है यस तो ये कैल्शियम जो है बाहर आ जाएगा ये वेसिकल बाहर आ गई बाहर आ गई फट जाएगी ये देखिए जुड़ जाएंगे अपने रिसेप्टर के साथ जो आत्मा इसमें थी, अब इसमें आ गई, ये बता दो देख के ये फास्टर है या स्लोअर है जल्दी बताओ यस 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 ये, ये है स्लोअर कंडक्शन ये है स्लोअर जो स्लोअर होता है मेरे बच्चों

ठीक है हाँ लगेंगे आराम से लगेंगे तो अब आ रहे हैं हम किस पे एक्शन पोटेंशियल या हम इसको लिख सकते हैं नर्व इंपल्स नर्व इंपल्स ठीक है बच्चों यस एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स ठीक है यस yes. मैम इसलिए बंटी का साबुन स्लो है मैम हाँ ये बात भी सही है बंटी का साबुन स्लो क्यों है यस yes, कितनी घटिया एड बनाई थी आप देखो बेटा एक्शन पोटेंशियल क्या है इसका थ्री देखना है चलो आओ देखते हैं है अवेलेबल तो जरूर दिखाऊंगी यार मैंने कौन सा अपने घर लेके जाना उसको आई थिंक इसमें होना चाहिए है ना मैम टाइप हाँ अभी कराती हूँ मैम आप कोटा आ जाइए नहीं बेटा आई एम में बहुत गर्मी होती है बेटा ऐसा, ऐसा oh मजा आ रहा है, है ना देख लो जरा देख लो पहले तो इसको देख लो तुम लोग इंजॉय करो मूवी इंजॉय करो तुम दो चार मिनट चलो भाई ये डीपोलराइजेशन में ही हो गया इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ये देखो आ हा हा चलो अब आप बच्चे कहेंगे मैम ये हो क्या रहा है समझाइए चलिए आइए आप बच्चों मैं समझाती हूँ पहले ये देखो ये पूरा न्यूरोन है ये एक्सो इस वाले पार्ट को ले रहे हैं नोड ऑफ रेनवियर का हिस्सा जहाँ पे माइलिनट है जो फ्लूड एक्सोलेमा के बाहर होता है उसे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड कहते हैं जो फ्लूड एक्सोलेमा के अंदर होता है उसे इंट्रा सेलुलर फ्लूड कहते हैं

उसे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा जो एक्सोलेमा से अंदर की तरफ होता है फ्लूड उसे क्या कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूड ठीक है यहीं पे कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी होते हैं देखिए ये वाले जैसे कि ये वाला हो सकता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये हो सकता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ठीक है बच्चों पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ लो जैसे कि जब मैं आगे समझाऊ तो तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो कहीं पे भी ठीक है डन यहां तक डन आडन डन सब बच्चों को प्यार से चले अब आगे चलते हैं ध्यान से देखे देखो अब सबसे पहला हम लेंगे इधर फर्स्ट आर एम पी या पोलराइज्ड स्टेट क्या होती क्या ये पोलराइज्ड स्टेट

यस yes, बीकानेर वहां पे एक बहुत बड़ा राजा रहता था एक बहुत बड़े महल में तो जब हमने देखा हम गए घूमने के लिए तो हमने देखा कि उसका बिस्तर तो तो इतने साइज का है मैंने कहा तुम्हारा राजा बड़ा नाटा था तो वहां के बंदे ने बोला नहीं नहीं मैम हमारा राजा नाटा नहीं था वो पता ही कैसे सोता था जैसे ऐसे करके और पैर ऐसे मतलब कि मान लो कि ये बेड है राजा लेटा हुआ है यहाँ पे ये देखिए और उसके पैर ऐसे है ये देखिए ऐसे ऐसे लेटता था मैंने कहा क्यों तो राजा को क्यों ऐसे थे, थे तुम लोग उसके नहीं दर्द हो जाएंगे? ठिश कर देगा ठीक है मेरे बच्चों तो है ना सोने की ये मुझे उस दिन की याद दिलाती है दिस इज कॉल्ड तैनाती कि ये सोते वक्त भी अलर्ट है तैनात है बिल्कुल तो यही हमारा है मतलब तो 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 ना ना तो तो <laughs> तो बताने क्यों याद आ जाती है जब भी मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ हमेशा की बात है तो ये होती है हमारी पोलराइज स्टेट तैनात है हमारा राजा रानी बेटा है रानी इज लाइक like, <laughs> मैं अकेली थोड़ी हूँ कितनी सारी है भाई ठीक है भाई, आओ, तो आपको मिलीवोल्ट यही होता है मेरे बच्चों यही हमने पढ़ा है हमने पीवाई क्यू भी किया था कल हमने टेस्ट में भी एक क्वेश्चन लगाया था ये माइनस सेवेंटी मिलीवोल्ट क्यों है क्योंकि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है बाहर क्या है बच्चों पॉजिटिव अंदर क्या है नेगेटिव ठीक है यस yes. बाहर पॉजिटिव क्यों है क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है ठीक है अंदर नेगेटिव क्यों है वो मैं अभी आपको बताती हूं देखो ये जो कंडीशन है तीन चीजें करनी पड़ती है कितनी चीजें करनी पड़ती है मेम्ब्रेन को तीन पहले मेमब्रेन किसके लिए इम्पोमल हो जाती है मेरे बच्चों जल्दी बताइए बॉक्स में मेमब्रेन इम्पॉमेबल हो जाती है आपके सोडियम के लिए ठीक है एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस के लिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के लिए पहले बात तो ये समझो जो मेम्ब्रेन है वो इम्पोर्मिएबल हो जाएगी सोडियम और नेगेटिवली चार्ज आयंस के लिए दूसरी चीज मेम्ब्रेन किसके लिए पोमिएबल हो जाती है पोटेशियम के लिए तीसरा जो लग रहा है जिसमें एनर्जी खर्च होगी वो क्या है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ये है हमारा ठीक है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप अब कैसे हो रहा है चलिए ध्यान से देखिए इधर ये हमारा पंप है ये देखिए ये पंप है इस पंप में तीन सोडियम बाहर दो पोटेशियम अंदर हो गया ना तो यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनसाइड ये हमारा पंप है और इसमें खर्च होती है एटीपी एडीपी प्लस पीआई

ठीक है अब वो क्या एकदम से खड़ा हो जाएगा बक मारेंगे तुझे ठीक तो है यस तो क्या आ चुका है, चुक है? सिग्नल आ चुका है जब सिग्नल आ जाता है तो एक्शन होगा एक्शन होगा तो प्लस थर्टी फोर मिली वोल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस थर्टी फोर मिली वोल्ट ठीक है अब आ जाओ जरा इसको चेक करते हैं ये है डीपोलराइजेशन ठीक प्लस 34 मिलीवोल्ट देखो कैसे हुआ अब अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव तो बाहर से अंदर कौन आएगा बाबू कौन सा चैनल खुला होगा बाबू जल्दी बता चैट बॉक्स में जल्दी बता ये देख ये हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एक सेकंड गला खराब हो गया बाबू बाबू पूरा का पूरा गला खराब कर दिया तुमने आज हैं एक सेकंड पानी पी लें बिना पानी दिए हम नहीं पढ़ा सकते <coughs> बाबू एक सेकेंड पढ़ा रहे हैं। अब ओई, अब देख बाबू इधर ध्यान से देख अब ये चैनल खुल जाएगा जब ये चैनल खुलेगा तो बाहर से सोडियम अंदर आ जाएगा तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा सो सिंपल ठीक है यस घुसपेटिया आ चुका है ब्लैक वाटर मैम ये ब्लैक वाटर I have all the type of water in my class: green water, black water, uh, mineral water, metal water, every type of pani. ठीक है? Yes. तो यहाँ पे मैं अंग्रेजी क्या यूज करूँ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम क्या लिखो मेरे बच्चों इस टाइम पे हो रहा है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम तो सोडियम के अंदर आ जाने से अंदर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो गई बाहर की क्या हो गई नेगेटिव अब आ जा नेक्स्ट स्टेप पे अब जैसे ही राजा उठा तलवार निकाली राजा ने देखा अरे ये तो हमारा पुत्र है जो गेम वाली तलवार ले आया है <laughs> गेम ऑफ थ्रोन्स वाली जीओटी वाली वो कहे हा बक नालायक सर नहीं देते जब देखो आ जाते हैं छुटर -पुटर पार्टी तो अब यहाँ पे क्या है रिपोलराइजेशन मतलब कि जो सिचुएशन पहले थी वही पे वापस ले आते हैं अपनी मेम्ब्रेन को यानी से माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट लाना है वापस से बाहर नेगेटिव करना है वापस से अंदर पॉजिटिव करना है कैसे करेंगे कैसे करेंगे जल्दी बताओ कैसे करेंगे अब यहां पे जो चैनल खोलेंगे वो कौन सा हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करेंगे अब ये जो पोटेशियम है ये अंदर से बाहर जा रहा है तो इसके लिए अंग्रेजी कौन सी यूज करेंगे इफ्लक्स या इनफ्लक्स क्या यूज करेंगे अंग्रेजी में जल्दी बताइए चैट बॉक्स में या इफ्लक्स? कौन सी अंग्रेजी लगाऊ बता दे रे छोरे यस यहाँ पे हम करेंगे इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम बाहर भेज दिया पोटेशियम को जा रे जा अरे जा रे जाए छोटी तलवार लेके जा ए बच्चे जा ठीक है बच्चों ये बाहर चला गया अब आते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ अब आते हैं हाइपर पोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन क्या है मैं बताती हूँ हाइपर पोलराइजेशन वो स्टेट है जब हम काम करने से मना करते थे इट्स कॉल्ड सैचुरेशन क्या कहते हैं इसे सैचुरेशन कहते हैं जैसे कुछ बच्चे होते हैं दो घंटे बाद के बाद नहीं पढ़ पाते वो कहते हैं नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा ठीक है यही चीज यहाँ पेटिव माइनस नाइनटीन मिली वोल्ट ठीक है मेमब्रेन बिकम्स मोर नेगेटिव एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द्रेन इज नॉट टेकिंग एनी सिग्नल वो आदा ना एक ब्रेकअप के बाद फेज आता है लोगों का कि नहीं यार अब बस अब नहीं हो पाएगा यार ये सब ना बेकार की चीज है मैं बता रही हूँ टाइम वेस्ट होता है एक महीने तक दीदी का ये चलेगा दूसरे महीने दीदी भी लाइक यार मैं क्या करूं अच्छा लगता था मुझे यस ठीक है तो वही चीज है तो दिस इज द टाइम व्हेन द मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव क्या मोर नेगेटिव है मेंब्रेन जब मेंब्रेन ज्यादा नेगेटिव होती है ठीक है माइनस -90 मिलीवोल्ट एट दैट टाइम इट इज नॉट टेकिंग एनी सिग्नल इट इज नॉट सिग्नल समझ में लगा या नहीं लगाएंगे या नहीं आई यस yes. आज एक्शन पोटेंशियल की महिमा समझ में आई है या नहीं आई है सबको ये yes. बताओ जल्दी से चार्टॉक्स में कॉन गाइज चलो अब आ, आगे चलते हैं योगे एक्शन पोटेंशियल का टॉपिक अब एक फटाफट से ग्राफ बना लेते बच्चों को रिवाइज कराने के लिए पूरे टॉपिक को आ जाओ ये है माइनस सेवेंटी जना आ जाओ बच्चों तो अब यहाँ पे मैम कुछ लेबल कर रही है ए बी सी डी एंड ई वॉट इज ए बी चलिए जल्दी बताइए कौन सा फेज है ए बी इससे क्या है कि पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा है व्हाट इज ए बी ए बी 70 मिलीवोल्ट है क्या है व्हाट इज ए बी कौन सा फेज है <coughs> कौन सा फेज है ए बी आर एम पी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तेनाती का बी से सी ये जा रहा है +34 मिलीवोल्ट स्पाइक पोटेंशियल कौन सा फेज है ये डीपोलराइजेशन ये वाला कौन सा है डीपोलराइजेशन फिर आते हैं सी टू डी ये कौन सा है सी टू डी रीपोलराइजेशन री पोलराइजेशन फिर आते हैं डी टू हाइपर पोलराइजेशन ठीक है ये रहा बस दुम तनक दुम दुम धुम धुन हो गया टॉपिक अब आते हैं प्रॉपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पानी पी लो तब तक मैं स्लाइड एड कर रही हूं स्लाइड कर रही हूं पानी पी लिया चलो पानी का ब्रेक जरूर होना चाहिए क्योंकि पानी ही है हर समस्या का समाधान सर में दर्द हो माइग्रेन हो कुछ भी हो पानी पियो ठीक है आ जाओ अब आते नेक्स्ट पे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेशन का मतलब कि एक न्यूरॉन में इतना लंबा न्यूरॉन होता है भाई एक्शन पोटेंशियल मूव कैसे करता है कैसे मूव कर रहा है तो हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं कितने तरह के होते हैं दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं ठीक है यस yes. पहला कौन सा मेरे बच्चों माइलीनेटेड माइलीनेटेड और दूसरे न्यूरॉन्स कौन से हमारे अन दूसरे कौन से बच्चे पार्टी अनमाइलिनेटेड है हमारे दूसरे न्यूरॉन्स ठीक है यस अब आ जाओ जरा क्या करना है देखो बच्चों माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड में क्या डिफरेंस है आ जाओ जरा डायग्राम बना दे तुम्हारे लिए पहले हैं बाबू हैं बाबू सोना नहीं है क्लास में जो सोवत है वो खोवत है बाबू हाँ अगर अब नहीं तो फिर कब सोच बाबू अब नहीं तो फिर कब ये माइलिन शीथ बना दी अब नहीं तो फिर कभी नहीं यस चलो आ जाओ तो अब आते माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे ये हमारा पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी है देखो तो बेटा आपने कभी सुना है वो सिस्टम ऑफ चुगली चुगली ज्यादा जल्दी ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल बात ठीक है कैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं मान लो बस मैंने तन्नू को बोला आ, सुन प्रियंका का बॉयफ्रेंड भी है किसी को मत उसने मुझे बहुत भरोसे से बताया है जहां स्टेटमेंट लग जाती है किसी को बताइयो मत वो माइलिन शीत है किसी को बताना मत इज इक्वल टू माइलिन शीत जहाँ आपने ऐड करते हैं, मतलब कि यार इंपॉर्टेंट बात है ये फिलानी नहीं है तो चलो अब यही काम करते हैं फोन पे फैलाने का ठीक है तो अब क्या हुआ इसके पास न्यूज आई ये डीपोलराइज़ हो गया जब ये डीपोलराइज़ हुआ इसने कहा यार मैं तो ये बात अपने पास नहीं रख सकता मेरे को किसी को बतानी है तो इसने ये सिग्नल बी को दे दिया ठीक है और खुद भी लाइक थैंक गॉड चुगली कर दी और ये भी बोल दिया कि बताना मत अब मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा तो जो ए पॉइंट है वो क्या हो गया रीपोलराइज़ हो गया इतने में रिलैक्स हो गया रीपोलराइज़ बी वाला क्या है डीपोलराइज़ डीपोलराइज़ है अब ये कह रहे कि यार किसी को बताना मत मैं भी किसी को बता तो दूं अब ये सिग्नल c के पास चला जाएगा ठीक है अब b would be like रिलैक्स ओके okay. तो यानी कि a वाला चला जाएगा हाइपरपोलराइजेशन में b पॉइंट चला जाएगा रिपोलराइजेशन में और c के पास हो जाएगा डीपोलराइजेशन तो देखो इट इज जंपिंग जंप कर करके सिग्नल जा रहा है तो दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या कहते हैं इस कंडक्शन को इस कंडक्शन को हम कहते हैं सोल्टेटरी कंडक्शन क्या कहते हैं सोल्टेट्री कंडक्शन कहते हैं माइलिनेटेड को जहां पे सिग्नल जम्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर सिंह टू अनदर नोड ऑफ रणवीर सिंह तो सिग्नल कहां से कहां जंप कर रहा है जल्दी बताइए चैट बॉक्स में यहां पे सिग्नल जंपिंग फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर सिंह टू अनदर क्योंकि बीच में माइलिन शीत है एंड माइलिन शीत एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बीच में क्या है माइलिन शीत है और ये जो माइलिन शीत होती है दिस एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है ठीक है मेरे बच्चों देखो ध्यान से डन 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 आडन डन अब आ जाओ अनमाइलिनेटेड पे अनमाइलिनेटेड के पास कुछ नहीं है बस ऐसी खबर है नॉर्मल सी खबर है ये देखो यस yes, नॉर्मल सी खबर है ये देखो अब आ जाओ नॉर्मल सी खबर पे मतलब कि हाँ यार सब ठीक है लाइफ में तुमने कॉल किया महक ने कॉल किया अपनी बुआ के पास ठीक है बुआ ने पूछा और महक कैसी चल रही है तैयारी तो महक ने कह दिया ठीक चल रही है बुआ आ, बुआ कह रही है मार्क्स ठीक आ रहे हैं हाँ बुआ ठीक आ रहे हैं अच्छा महक और और बता कोचिंग में क्या वो कह रही नहीं बुआ सबसे को पढ़ना है बुआ प्लीज बाय ठीक है अब बुआ कह रही मेरे पास कोई खबर ही नहीं है बताने के लिए तो ये खबर जंप नहीं करेगी बस हाँ मैं कह रही थी सब ठीक है लाइफ में हाँ बस तो यहाँ पे वॉकिंग हो रही है ये देखो सिग्नल जो है वॉक कर रहा है जंप नहीं कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो ये वाला कंडक्शन क्या स्लो कंडक्शन है ये वाला कंडक्शन क्या है स्लो है क्यों स्लो है क्योंकि नो माइलिन शीट जंपिंग पे हो ही नहीं, पे है ही नहीं। तो जब जैसे कि मान लो कि पूरे साल से नीट की तैयारी कर रहे हो अनमाइलिनेटेड थे अब लास्ट के एक महीने में सबके सब, सब यूट्यूब पे टीचर्स एक्टिव हो गए कह रहे हैं सब बहुत रेगुलर है उसमें एक मैं भी हूँ ठीक है अभी क्या माइलिनेटेड की स्पीड में दौड़ रहे हैं दूसरी बार रिविजन करा दिया है पूरे साल भर में सिलेबस नहीं करा पा रहे थे बट अभी दो महीने में दो बार करा दिया yes. तुमने सोचा है यस कभी yes. तो कुछ काम है ही नहीं करने को हो वो सब हो गया। क्या करें यही करेंगे ठीक है यस गॉड स्पीड पे चल रहे हैं अब तो यहाँ माइलिनेटेड है ये अनमाइलिनेटेड है ये जम्पिंग सोल्टेटरी है ये नॉर्मल है बस यस आ जाओ भाई अब आ जाओ <laughs> नहीं यार थोड़ी जल्दी से शुरू कर दिया था लक्ष्य लॉन्च कर दिया था यस <laughs> <Yes. laughs> हाँ हाँ भेज दूंगी नोट सब भेज दूंगी अब सब मांग जो मांगे सब मिलेगा तुम्हें yes <laughs> आ आज बच्चो

कौन सा टाइप हम लेंगे यहां उसका हम बना लेंगे बच्चा डायग्राम यहां बना लेंगे उसमें कितने एक्सॉन हैं यहां बना लेंगे उसमें कितने डेंड्राइट्स हैं और यहां हम उसके लिख लेंगे एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे उसका एग्जाम्पल यहां पे लिख लेंगे मेरे बच्चों देख रहे हो अब मैं डायग्राम बनाऊ लंच ब्रेक नहीं मैं मैं भी तो मैंने किया लंच है क्या तुम एग्जाम दोगे दो से साढ़े लंच ब्रेक चाहिए अभी से चला जा पहला हम लेंगे यूनिपोलर क्या लेंगे यूनिपोलर चलो बताओ एक्सॉन और डेंड्राइट कितने हैं <coughs> बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी ऑन गाइस ऑन यस तो अगर यहां पे देखे तो डेंड्राइट्स जीरो एग्जन वन एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलते हैं बड़ों में नहीं मिलते ये वाले ठीक है नेक्स्ट यूनिपोलर यूनिपोलर दिख यूनिपोलर रहे हैं बट है जस्ट फ्रेंड्स वाले केस मतलब अरे वो दिवंश कौन है तेरा जस्ट फ्रेंड भाई वाले ठीक है बच्चों यस yes. दिखने में सिंगल है बट आप समझ ही रहे हैं कहानी तो यहाँ पे एक एग्जॉन है एक डेंड्राइट है कहा मिलते हैं ये मिलते हैं हमारे रूट गैंगलिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ठीक है अब ये टॉपिक डिलीट हो गया वरना पहले समझाते थे इसको पूरा ठीक है अब आते तीसरा बायपोलर ये बॉडी में दो जगह मिलते हैं यस yes, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन कहा मिलते हैं ये काली काली आंखें रेटिना ऑफ आई में दूसरा ऑल्फैक्ट्री एपिथिलियम नोज की जो होती है ऑल्फैक्ट्री एपिथिलियम नोज वाली मेरे बच्चों नोज वाली ठीक है नेक्स्ट पे आ रहे हैं आज फोर्थ मल्टी पोलर मल्टीपोलर अब आ जाओ ये देखो ये देखो मल्टीपोलर मल्टीपोलर एक एग्जॉन मेनी डेंट्राइट कहा मिलेंगे सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया यस मेरे बच्चों यस डन टिप ऑफ नोज कार्टिलेज थोड़ी बता रहा है टिप ऑफ नोज कुछ भी लिख देते हो तुम्हें क्या लगता है मैं चार्ट नहीं पढ़ती कुछ भी बता देते हो तुम लोग हाँ चार्ट पढ़ती हूँ मैं

ओए 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 सिस्टम आजा भाई चल आजा ये देखो देखो बेटा पहले तो देखो कितना सुंदर दिख रहा है तुम्हारा दिमाग दिख रहा है सबको दिमाग एक बार विजुअलाइज कर लो तो बहुत आसानी से क्या है ना पूरा का पूरा याद हो जाएगा ठीक है लाइक किया है सेशन को नहीं किया है यार देखो अपन ना बार बार मांगते नहीं है लाइक शेयर तुम कर दिया करो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बार-बार मांगना लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो आई डोंट लाइक इट नो इट्स ठीक है चलो आ जाओ <coughs> ये देखो ये हमारा पूरा ब्रेन है ये जो ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है ये फोर ब्रेन है ये जो बीच वाला है ये वाला ये वाला ये मिड ब्रेन है ये जो नीचे वाला हिस्सा है पूरा दिस इज आवर हाइंड ब्रेन ठीक है अब देखो मैंने लेबलिंग नहीं की है तुम मुझे बताना ये जो गड्ढे हैं नीचे की तरफ गड्ढे देख रहे हो नीचे की तरफ इसे सलकाय कहते हैं ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हो इसे कहते हैं जिसके दिमाग में जितने ज्यादा होंगे और, और उतना ज्यादा न्यूरॉन होगा और उतना ही ज्यादा तू आइंस्टाइन बनेगा अपनी जिंदगी में ठीक है यस मेरे बच्चे ये देखो फोर ब्रेन ये देखिए सबसे पहले फोर ब्रेन के पार्ट्स देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल एनसीआरटी वाले हाईलाइट किए हुए हैं फोर ब्रेन में सेरिब्रम आ रहा है आ आ रहा रहा है, है? है देख लो, अगर labeling वाला question आ अगर वाला गया, गड़बड़ तुमने की, तो मैं पिटाई कर तुम ठीक ये ये देखिए, देखो, दिख है, चमकता हुआ हिस्सा पूरा ये सारा क्या है आपका ब्रेन मिड ब्रेन देखिए ध्यान से मिड ब्रेन ये वाला बीच वाला देखिए और हाइंड ब्रेन देखिए पॉन्स मेड्यूला सेरिबेलम तो एक ब्रेन स्टेम होती है ब्रेन स्टेम में क्या आता है मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला तीन चीजें आती है हमारे मिड ब्रेन में सॉरी ब्रेन स्टेम में ठीक है अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पे ये देखिए कॉर्पस कैलोसम ये रहा जो कि सिर्फ मेमेलियन ब्रेन में देखने को मिलता है पहले बताओ ब्रेन समझ में आया नहीं आया जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में ब्रेन दिखा या नहीं दिखा ये हमारा पूरा सीएनएस ये देखिए ये और मुझे बताना था कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे तुम्हारा ब्रेन क्योंकि अगर ब्रेन नहीं तो कुछ नहीं देखो इधर देखो सबसे बाहर वाली जो लेयर है सबसे बाहर वाली लेयर उसका नाम क्या है ड्यूरा मैटर ये मैनजेज है उससे बाहर क्या है स्कल है ये स्कल है आपका ठीक है ये क्या है आपका ड्यूरा मैटर उसके बाद अरेकोनॉइड और जो सीधा ब्रेन के कनेक्शन में वो कौन सी है पायो मैटर देखो कितने सुंदर तरीके से दिखा रखा है ये आपकी मेनंजेस है मेनजेस के बाहर आपका क्रेनियम है बोनी Boney के ठीक है यस ये देखो दिस इज हाउ योर ब्रेन लुक्स लाइक ये देखिए ये देखो ये देखो इन दोनों के बीच में स्पेस है ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है देखो वापस दिखाती हूं ये देखो ये राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखो ये देखो दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है ये देखो बीच में एक यहाँ पे रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉर्पस कैलोसम ये कॉर्पस कैलोसम है बीच वाला ठीक है समझ में आ गया सबको चलिए अब ब्रेन शुरू करते हैं लेट स्टार्ट भाई ऐसा थ्री कहीं नहीं आ जा मेरे बच्चे चलो स्टार्ट करें चलिए बच्चों जैसा तो होता है ब्रेन क्या बात है इतनी बढ़िया बात बता दी कि मैं तो बेहोश हो गई चल तो आ रहे सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन की जब हम बात करते मेरे लाल क्या होता है ह्यूमन ब्रेन देख बेटा ह्यूमन ब्रेन सबसे पहले प्रोटेक्शन पे आता है किस पे इसके प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन की बात करें तो हम क्रैनिएटा हैं हम क्या है क्रैनिएटा ह्यूमन ब्रेन क्रैनिएटा अब आप कहेंगे मैम ये क्रैनिएटा कौन होते हैं जिनके पास क्रैनियम होता है आप कहेंगे मैम ये क्रैनियम क्या होता है क्रैनियम वो होता है जिसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं क्या कहते हैं उसको ब्रेन बॉक्स तो जिनके पास ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम होता है उसे हम क्रेनिएटा एनिमल्स कहते हैं ठीक है बच्चों जो सारे बॉटी ब्रेड है अब आ जाओ जरा क्रेनिएटा में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें पढ़ना है क्रेनियम क्रेनियम के पास स्टेप्स ऑफ एट यानी कि आठ हड्डियां होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है कितनी हड्डियां आठ हड्डियां उसके ट्रिक क्या है स्टेप ऑफ एट यानी कि स्फिनोइड बोन टेम्पोरल इथमॉइड पेराइटल ऑसिपिटल फ्रंटल ठीक है जिसमें टेम्पोरल दो पेराइटल दो बाकी वन 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 ये हो गई हमारी ये आठों की आठों हड्डियां क्रेनियम की प्रोटेक्ट करिए हमारे ब्रेन को पहले तो ये देखो प्रोटेक्शन में पहली चीज ये है फिर जो दूसरी चीज आती है प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन के वो आती है हमारी मैनजे कौन आती है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से किससे बनी है मेरे लाल कनेक्टिव टिश्यू से बनी है ये जो मैनेजेस है ये तीन तरह की होती है कितने तरह की होती है गाइस ये मैनेंजेस हमारी तीन तरह की होती है जो सबसे बाहर वाली उसका नाम क्या है ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली का नाम क्या है बच्चों ड्यूरा मैटर जो बीच वाली उसका नाम क्या है अराक्नॉइड बीच वाली का नाम क्या है अराक्नॉइड और जो सबसे अंदर वाली उसका नाम क्या है पाया मैटर क्या नाम है पाया मैटर अब इनके बीच में कुछ स्पेसेस भी होते हैं विच विच द शॉक एब्जॉर्बर ठीक है जो स्पेसेस है वो कौन से इन दोनों के बीच में होता है सब ड्यूरल स्पेस कौन सा सबड्यूरल स्पेस ठीक है और इन दोनों के बीच में जो है उसका नाम है सब अरेक्नोइड स्पेस कौन सा बच्चों सब अरेक्नोइड स्पेस नाम है उसका ये हो गए दोनों के दोनों यस yes, बच्चों हो गए ड्यूरा मैटर अरेक्नोइड पाया मैटर कौन किस चीज से बना है ये भी देख लेते हैं सबसे बाहर वाली है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो ये बनी होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ठीक है बच्चों अराक्नॉइड किससे बनी है अराक्नॉइड का मेन काम होता है क्योंकि यहाँ पे एक प्लेक्सस होता है कोरोइड प्लेक्सस कौन सा प्लेक्सस होता है यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस ये जो कोरोइड प्लेक्सस होता है यही बनाता है आपका सी एस एफ यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये वो फ्लूइड है जो स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन के पास होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड कनेक्ट नहीं करता है

ठीक है अब आगे चलते हैं ये तो हो गई प्रोटेक्शन की बात क्या ब्लड ब्रेन बैरियर होता है क्या ब्लड ब्रेन बैरियर होता है यस yes, मेरे बच्चों सी प्रोटेक्शन ब्लड ब्रेन बैरियर होता है Yes. और ये कौन बनाता है एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं कौन बनाते हैं है. कौन बनाते ठीक है जो हमारे blood brain barrier बनाते हैं कोई भी ऐसी चीज थोड़ी है, बट कुछ ऐसी ड्रग्स होती है साइकोट्रोपिक साइकोडेलिक कुछ ऐसी ड्रग्स इनमें से जो सीधा आपके ब्रेन पे जाके काम करती है जैसे कि धतूरा का धतुरा होश गुम जाते हैं प्यार हो जाता है इश्क हो जाता है बस इन्हें खाते ही सब अच्छा लगने लगता है यस yes, अपने वाली भी प्यारी लगने लगती है बस ठीक है ना बच्चों वही होता है सब कुछ चलो आ जाओ अब चलते हैं आगे आगे क्या हमारा इसके बाद स्ट्रक्चर आज आप स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर पे तो पहले ओरिजिन की बात कर लेते हैं ब्रेन का ओरिजिन क्या है तब से बता रही हूँ पूरे चैप्टर में एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है इसका हर एक सेल ठीक है एक्टोडर्मल अब जो ये हमारे ब्रेन है इस ब्रेन के पास क्या क्या है मेरे बच्चों देखो इधर पहला है इसका फोर ब्रेन पहला हिस्सा कौन सी बात करेंगे हम फोर फोर ब्रेन की. फोर ब्रेन की में जो पहली चीज बात करेंगे वो बात करेंगे आज हम सेरिब्रम की ठीक है सेरिब्रम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसा है क्या लिखू लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट क्या लिखू यस लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट तो यहां पे हम लिखेंगे ये है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ठीक है कितने होते हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं कितने होते हैं टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं कितने होते हैं टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर और इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास क्या होते हैं गाइराई और सल्कए क्या होते हैं इन दोनों के पास गाइराई प्लस सल्कए होते हैं ये जो गाइराई और सल्कए दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या कर रहे मोर सरफेस एरिया क्या कर रहे मोर सरफेस एरिया फॉर न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं ठीक है प्लस अरेंजमेंट बाहर की साइड इसमें क्या होता है ग्रे मैटर होता है जबकि अंदर की साइड व्हाइट मैटर होता है ग्रे मैटर ग्रे क्यों है क्योंकि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स का होता है जबकि व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों होता है बच्चों क्योंकि इसके पास माइलिनेटेड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स होते होते हैं हैं कौन से न्यूरॉन्स होते, है? होते हैं ठीक है ग्रे मैटर आउटर व्हाइट मैटर इनर साइड ठीक है इन दोनों के बीच में एक एक्सोनल ट्रैक होता है जो सिर्फ मैमल के ब्रेन में देखने को मिलता है क्या नाम है उस एक्सोनल ट्रैक का क्या नाम है कॉर्पस कैलोसम क्या नाम है कॉर्पस कैलोसम ये क्या है ये है एक्सोनल ट्रैक क्या है? ये ये हमारा एक्सोनल ट्रैक दोनों के बीच में सिर्फ किसके ब्रेन में मिलेगा बार बार बोल रही हूं क्योंकि नीट का क्वेश्चन रह चुका है ये ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के ब्रेन में मिलेगा मैमेलियन ब्रेन में मिलेगा कहा मिलेगा मैमेलियन ब्रेन में और कहीं नहीं मिलेगा ठीक है बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ

न्यूरो सेल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं गैंगलियाज बोलते हैं क्या बोलते हैं गैंगलियाज ठीक है बच्चों अब ये गैंग्लिया ऐसी रिलीज करता है तो कोलीनर्जिक कह देते हैं ठीक है नहीं निकलता तो अल्जाइमर हो जाता है तो ये सब चीजें होती है यहां से अब आते हैं इसके लोब्स पे कौन कौन से लोब्स हैं चलो भाई फ्रंटल बोन के नीचे कौन सा लोब होगा फ्रंटल लोब कौन सा लोब होगा फ्रंटल लोब पेराइटल बोन के नीचे पेराइटल लोब टेम्पोरल बोन के नीचे टेम्पोरल ऑसिपिटल बोन के नीचे ऑसिपिटल लोब तो यानी कि जो बोन है वैसे ही इसके लोब्स होंगे ठीक है फ्रंटल क्या काम करेगा थिंक लर्निंग कम्युनिकेशन ठीक है यस yes, क्या करेगा थिंकिंग लर्निंग परसेप्शन सब फ्रंटल का काम है पेराइटल पी से पारो पी से पेराइटल पी से पेन ठीक है जितना भी पेन है जितना भी ठंडा गरम है सब यहीं पे सिग्नल आएगा टेम्पोरल हियरिंग एंड स्पीच मेन काम इसका क्या है सुनना क्योंकि कान यहीं पे होते हैं और सुन के बोलना चाहिए बिना सुने बोलना नहीं चाहिए पगले लगते हो फिर आते हैं ऑसिपिटल विजुअल सिग्नल इन आंखों का काम तो सिर्फ देखना है सानिया बट उस सिग्नल को समझने का काम किसका है ब्रेन का ठीक है तो इसका काम क्या है विजुअल सिग्नल्स को लेना किसको विजुअल इसके इंटर सेंसरी एरियाज भी होते हैं यहाँ पे एसोसिएटेड एरियाज में इंटर सेंसरी एरियाज़ क्या मान लो कि आज दिव्यांग कोई लड़का है या नहीं है मेरे बॉक्स में साक्षी इंद्रियानी काजल हाँ भाई अविका स्मृति भूमि भूमिका वंदना भव्य स्वाति भाई कोई लड़के है या नहीं कहा हो मेरे लड़को क्या करना होगा कि तुम भी आके सेशन देखो यार क्या है ये कितना रेसिस्ट कर रखा तुमने मेरे चैट सेक्शन को हाँ और नहीं तो कहा जाते हो भाई पढ़ने के लिए बता दो जरा बता दो हमको जाननी है ये बात यार <laughs> हमको जाननी है जब मैं अपने चैनल के स्टार्ट देखती हूँ तो उसमें लड़कियां होती है यार कहा हो मेरे लाल कहा हो मैं तुम्हें भी प्यार करूंगी यार जिंदगी भर ऐसे मत करो यार <laughs> चलो आ जाओ इंटर सेंसरी एरिया क्या है मान लो कि आज जो शिव है वो गया छोले भटूरे खाने ठीक है पहले देखेगा यार ये विराट कोहली वाले छोले भटूरे बहुत सही लग रहे यार मम्मी पनीर भी डाला भटूरे के अंदर मजा आ जाएगा मम्मी आज ठीक है फिर वो आया फिर उसने सूंगा मम्मी देसी घी डाला इसने छोले में मैं बता सूंघ के बता दू मम्मी मैं ठीक है यस फिर उसके बाद उसने खाया अरे वाह मम्मी ऐसे थोड़ी विराट कोहली फैन है इसका क्या बात है मम्मी इसके छोले भटूरे तीन सेंसेस ने काम किया आईस स्मेल टेस्ट तब जाके आपने बोला वाह क्या स्वाद है वाह क्या ताज है ठीक है बच्चों तो ये जो इंटर सेंसरी एरिया है

सुनना समझना बोलना पेपर में सवाल पढ़ना फिर सोचना कि मैम ने क्या बताया था फिर जवाब लगाना फिर ओ एम आर भरना फिर नीट के रिजल्ट का वेट करना यस, yes, बहुत सारा सीन है भाई इसमें लाइफ में ठीक है बच्चों, चलो आप आते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ कम्युनिकेशन हो गया अब ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन का पहला हिस्सा सेरिब्रम अब जो दूसरे हिस्से पे हम जा रहे हैं उसका नाम है थालमस। थालमस को हम रिले सेंटर भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको रिले सेंटर भी कहते हैं क्यों कहते हैं देखो कई बार क्या होता है बेटा आपको ना साथ हो जाता है आपको पता नहीं चलता बट कहीं ना कहीं आपको लगता है हाँ पता है कुछ हो रहा है ठीक है यस ऐसा होता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस कॉन्शियस रिस्पॉन्स तो आगे इन दोनों में फर्क है मान लो कि ये हमारा ऑर्गन है ये हमारा थैलमस है और ये हमारा सीएनएस है अगर सिग्नल जो है इस रूट से जाएगा तो इस तरह के रिस्पांस रिस्पांस। को हम कहते क्या कहते हैं हैं कॉन्शियस क्या इस रिस्पांस को कॉन्शियस कि हमें पता है हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है यस yes! ये हमें पता है हमारे साथ कुछ हो रहा है ना लायको बट मान लो कि कोई सिग्नल जो है डायरेक्ट इधर चला गया तो इसे हम कहेंगे अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स क्या कहेंगे इसे अनकॉन्शियस ठीक है जैसे अभी मैं लिख रही थी लिख दिया लिखना था मतलब मैं जानती कि कुछ हो रहा है और ना गुजरने का ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट सेंटर पे जिसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं हाइपोथैल बेटा ये हम पूरा लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके तो बस मैं इसका नाम लिखवा रही हूँ यहाँ पे ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे ब्रेन के विच इज कॉल्ड मिड ब्रेन क्या कह रहे हैं इसको मिड ब्रेन मिड ब्रेन नाम से पता है, लग रहा है इट्स अ इंटर कनेक्शन इट्स अ कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन क्या है ये ये कनेक्शन है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इन दोनों के बीच का कनेक्शन है ये कौन मिड ब्रेन इसके पास चार गोगले होते हैं क्या होते हैं चार गोगले इन चारों गोगलों को क्या कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना क्या कहते हैं इन गोगलों को चलो जल्दी बताओ गोगलों को क्या कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना ठीक है यस कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना गोगले जो ऊपर के दो गोगले हैं उन्हें सुपीरियर कॉलिकुलाई बोलेंगे जो नीचे के दो गोगले हैं उन्हें बोलेंगे इंफीरियर कॉलिकुलाई क्या बोलेंगे इन्हें इंफीरियर कॉलिकुलाई जो ऊपर के दो गोगले हैं वो क्या करेंगे बच्चों यस डिसऑर्डर्स अभी बता देंगे गुनीत अभी बताते पहले मैं पढ़ा दे मेरा ने स्पीड मत तोड़ना आज की क्लास में बिल्कुल भी बिल्कुल छपा हुआ है बिल्कुल कैसेट की तरह आज ठीक है यस yes. तो ये जो दो ऊपर के गोगले ये क्या करते हैं भाई बहुत सही जा रही है यार बहुत सही जैसे कि ना मैंने अपने चैनल पे ना एक रील डाली थी इंस्टा पे भी डाली थी अपने पर्सनल चैनल पे भी डाली थी तो मैंने उसे कहा था इग्नोर ऑल द डिस्ट्रैक्शन जस्ट लाइक यू आर इग्नोरिंग द येलो गर्ल इन दिस वीडियो ठीक है तो सबकी नजर उस पिंक वाली पे थी क्यों ये देखो हेड मूवमेंट एंड आई मूवमेंट आर कोऑर्डिनेटेड यस yes. ठीक है बच्चों सो so, यहाँ पे नेक और आई की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ये कंट्रोल करता है जबकि ये वाला हाँ, बोल. हाँ, बोल. Yes. से ठीक है हाँ कल ही देखी ना हाँ बहुत बदमाश है सबके सब, सब. हम कह इनको इन्हीं की तरह मोटिवेट करना चाहिए कभी तो अरे लड़के आते ही नहीं थे पढ़ने हम कहीं कुछ डालना पड़ेगा छौका लगा दिए कल जाके अपने चैनल पे

ठीक है इस डक्ट में क्या भरा होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस डक्ट में भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड ठीक है चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं आ, बहुत हंसी आ रही है विनय नालायक तेरी मम्मी को कॉल करूं अभी रुक जा तू नालायक कहेगा अभी तेरी मम्मी को कॉल करूं पानी पी लो अब आते हैं नेक्स्ट पे ये तो हो गया मिड ब्रेन अब आ रहे थर्ड पे जिसका नाम है हाइंड ब्रेन यानी कि सबसे अंतिम हिस्सा मस्तिष्क का हाइंड ब्रेन बट इससे पहले मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन इक्वल्स टू ब्रेन स्टेम इक्वल्स टू ब्रेन स्टेम याद रखना इस बात को ठीक है हाइंड ब्रेन में ब्रेन में तीन हिस्से करने हैं पहला हिस्सा है सेरी बेलोम। कौन है कौन एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है। आर्बर वीटे क्या होता है आजकल ना हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ट्री ऑफ लाइफ बहुत सारी उसकी जटाएं होती है ठीक है बहुत सुंदर ट्री होता है बिल्कुल वैसा दिखता है आर्बर वीटे ठीक है तो यहाँ पे सेरी है। इसमें आर्बर वीटे दिखता है जो ग्रे मैटर वाइट मैटर मिलके बनाते हैं एक ट्री की फॉर्म में सेरिबेलम टू होते हैं टू हेमिस्फेयर होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है पोस्चर मेंटेनेंस मेन काम क्या होता है पोस्चर मेंटेन करना या बैलेंस मेंटेन करना ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट सेरिबेलम के बाद नेक्स्ट कौन है चलो जल्दी बताओ अभी लगेगा एक घंटा और क्लास ओवर होने में हरियाणा का छोरा इक्यावन चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉन्स वेरोलाय इसके अंदर होता है नीमोटैक्सिक सेंटर कौन सा से सेंटर होता है नीमोटैक्सिक सेंटर जिसे हम स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं क्या कहते हैं उसे स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं बंद हो जाता है ये क्यों क्योंकि आपके इंस्पिरेटरी इंस्पिरेशन को स्लो करता है इसीलिए फिर आते हैं नेक्स्ट मेड्यूला ऑब्लोंगाटा मेड्यूला ये सारे रिफ्लेक्सेस वॉमिटिंग को संभालता है ठीक है वॉमिटिंग और किसको संभालता है भाई ये किसको किसको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस को और किसको संभालता है कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को ठीक है और किसको संभालता है जल्दी बताओ चैट बॉक्स में और ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रिफ्लेक्सेस को संभालता है ये सारे रिफ्लेक्सेस को संभालने का काम किसका है मेड्यूला को ठीक है यस yes. चलो हाँ तो तीन बजे ना अभी तो पौने दो हुए हैं अनमोल क्लास तीन बजे है ना अभी तो पौने दो हुए हैं अब तो छोटा सा चैप्टर है क्या हो गया हो गया चैप्टर कंप्लीट ये देखो टाइप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल ह्यूमन ब्रेन मिड ब्रेन फोर ब्रेन हाइड ब्रेन चैप्टर डन चलो आओ क्वेश्चन लगाते हैं चलो आ जाओ लगाओ क्वेश्चन चलो एवरीवन अब तुम्हारा काम है मेरा काम हो गया चलो लगाओ फटाफट से मल्टीपोलर न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स न्यूरोन कहा मिलते हैं बी का थ्री चलो भाई बी का थ्री ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में होता है ए का टू टू थ्री हो गया आंसर यस आया आंसर सलोनी गलत क्यों है ओए मैंने गलत किया है क्या ए का टू अच्छा ये तो सेम ही है ओ हो हो मेरे को लगा कि ये दोनों नहीं है माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड, डी का हो जाएगा हमारा न्यूरल सिस्टम ठीक है तो हमारा फोर आंसर होगा मेरे से गलती होगी सॉरी चलो नेक्स्ट अरे क्यों कॉल कर रहा है इसे मैं बता दू मैं क्लास में हूं क्लास है भाई मत परेशान हो यस yes. मत हो परेशान चलो भाई ये है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनाप्स इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनाप्स केमिकल साइनाप्स यूज इज न्यूरो इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनाप्स इज ऑलवेज फास्टर भग भग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो

नेक्स्ट अच्छा लिम्बिक सिस्टम रह गया यार लिम्बिक सिस्टम रह गया यहाँ पे याद करें लिम्बिक सिस्टम क्या होता है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन है लिम्बिक सिस्टम रह गया इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन जो किसके साथ मिलके काम करता है हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है ठीक है इसके अंदर भी दो सेंटर्स हैं एमिग्डाला और दूसरा कौन सा है हिपोकैंपस एमिग्डाला किसको कंट्रोल करता है एंगर और रेज को हिपो कैंपस किसको कंट्रोल करता है मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है बच्चे आंसर दे रहे टू सही बात चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हुए बोन वाला चलो एक सेकेंड यार है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चलो ये चैप्टर अब हमारा नेक्स्ट ले लो टू मिनट्स ब्रेक ले लो कर लो कर लो देखो बढ़े ढाई बजे तक जितना भी होगा उतना हम करेंगे ठीक है yes. hmm. yes. बजे तक क्लास चलेगी चलेगी, ही उसके बाद आप फिर टीसी मैम की ज्वाइन कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है नहीं जस्ट वन मिनट ब्रेक है और ज्यादा नहीं है कोई टेन मिनट ब्रेक नहीं भाग साढ़े तीन घंटे नहीं पढ़ सकते तो क्या कर सकते पक इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई हाँ इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा देख रहे हो उस रील पे तीन लाख बीस हजार व्यूज है मतलब क्या ही मैं बोलू ये पढ़ाई की कोई वीडियो डाल देंगे ना तो दस हजार व्यूज रहेंगे एम एस एस रिफ्लेक्स को ही हम वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं यस यस मेरे बच्चों मैम आई ईयर कट हो गया सिलेबस से यस मेरे बच्चा वो नहीं है सिलेबस में यूट्यूब पे भी डाले थे तो एक व्यूज है क्या रे क्या लड़को क्या रे क्या लड़कों नालायक को यस yes. चलो आ जाओ स्टार्ट कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर ठीक है लोकोमोशन क्या होता है चेंज इन प्लेस जब हम चेंज इन प्लेस मान लो कि मैं यहां खड़ी हूं यहां से मैं लोकोमोशन हो रहा है ठीक है मूवमेंट क्या होता है बच्चों मूवमेंट इसको हटाऊं पहले यहां से व्हाट इज मूवमेंट मूवमेंट होता है चेंज इन बॉडी पोश्चर क्या होता है चेंज इन बॉडी पोस्र यानी कि मैं खड़े खड़े ही ऐसे ठीक है ठीक है तो ये है अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आते हैं एवरी मूवमेंट इज लोकोमोशन ट्रू ऑफ जल्दी बताइए चैट बॉक्स में ट्रू ऑफ जल्दी बताओ एवरी मूवमेंट इज लोकोमोशन ट्रू ऑफ फॉल्स आप कहेंगे मैम बिल्कुल फॉल्स है ठीक है फिर दूसरा स्टेटमेंट आ सकता है एवरी लोकोमोशन इज मूवमेंट आप कहेंगे मैम ये बिल्कुल ही सच बात है टीरू है टीरू है ये टीरू है वो ट्रू नहीं है ठीक है बच्चों यस yes, बिल्कुल अब आ जाओ नेक्स्ट पे ये ब्रेक देते 400 बच्चे दम क्यों तोड़ देते भाई एकदम से चैट्स में मुझे तो यही जानना है कि एकदम से दम क्यों तोड़ देते हैं भाई अलग ही सिस्टम है इनका दम तोड़ देते हैं ब्रेक बोलते ही दम टूट जाता है वैसे बैठे हुए थे क्लास में चलो आ जाओ अब आते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट तो एनसीआरटी ने कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताई है चलिए आइए देखते हैं पहली है, एमीबॉइड मूवमेंट जिसमें स्यूडोपोडिया होते हैं जो खाने निकलने में भी हेल्प करते हैं मूव करने में भी हेल्प करते हैं एग्जाम्पल अमीबा डब्ल्यू ठीक है डब्ल्यू की एक अलग से मूवमेंट होती है जिसे हम डायपिटिस कहते हैं आउट ऑफ डब्ल्यू बीसी फ्रॉम ब्लडरीर सिस्टम आज भाई मस्कुलर सिस्टम पे आते हैं आज पहले तुम्हें थ्री डी में दिखाते हैं बहुत ही अच्छा थ्री डी है इसका ट्रस्ट में बहुत अच्छा है. लोचे रखो मसल ये देखिए बहुत अच्छा 3D है एक बार विजुलाइज कर लोगे तो काफी टाइम बच जाएगा तुम्हारा हाँ वही तो परी यूट्यूब पे यही तो होता है जोश के साथ आते हैं फिर गायब हो जाते हैं दैट्स अ स्टोरी ऑफ यूट्यूब चलिए बच्चों ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है जो 3D में आज हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में देखिए ध्यान से तो सबसे पहले आ जाओ ये हमारी पूरी बॉडी है इस तरीके से हमारे शरीर में मसल्स रैप्ड होती है हर ऑर्गन के ऊपर ये देखिए आप ठीक है अब जब हम इसको देखते हैं ध्यान से देखना बाबू आ रहा है आपके पास बाबू की मसल जब हम इस मसल को काट देते हैं बीच में से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं क्या देख रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम है एपीमाइसियम क्या नाम है बच्चों सबसे बाहर वाली लेयर का एपीमाइसियम ठीक है इस एपिमाइसियम ने पूरे मसल को कवर कर रखा है फिर इस मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं इन मसल बंडल्स को हम फैसिकुलाई कहते हैं क्या कहते हैं इन मसल बंडल को इन मसल बंडल्स को हम कहते हैं फैसिकुलाई हर फैसिकुलाई की कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं पेरिमाइसियम क्या कह रहे हैं हर फैसिकुलाई की कवरिंग को पेरिमाइसियम ये जो पेरिमाइसियम आपस में कोलेजनस शीट से क्यों होती है अटैच होती है जिसे हम फेशिया कहते हैं फिर उस फैसिकुलाइ के अंदर यहाँ पे ये मसल सेल है देखो ये हमारे मसल सेल अब तीन तरह की मसल है हमारे पास कार्डियक मसल इस तरीके से दिखेगी ये हमारी स्मूथ है विसरल मसलन की ये देखिए स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड होती है अब ये हमारा सार्को एक बार ये देख लो फिर इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ विजुअलाइज कर लो देखो कैसे काम कर रहा है जब कॉन्ट्रेक्शन होती है ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब मैं मसल कॉन्ट्रेक्शन समझाऊंगी देखो कैसे काम कर रहा है ये पास पास आ रहा है लेंथ छोटी हो रही है मसल की देखो हो रही है ना देखो एच जोन छोटा हो अब आते हैं नेक्स्ट पे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कैसे दिखते हैं ये देखो ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन एक्टिन ये एक्टिन का जी एक्टिन पूरा एक फाइबर बना दिया जिसे एफ एक्टिन बोलेंगे देखो ये देखो ये हमारा मायोसिन ये इसका हेड ये इसका क्रॉसआर्म ये एटीपी बाइंडिंग साइट ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देख लो एक बार ये भी पूरा चैप्टर ही यही है फिर मैं समझाती हूँ इसी के ना ब्रेक भी मिल जाता है बच्चों को विजुलाइजेशन भी हो जाती है देखो क्रॉस ब्रिज साइकिल डन चलो अब मैं समझाऊं बच्चों आ जाओ बच्चों अब मैम समझाएंगी अपने तरीके से फिर हम बोन्स पे जाएंगे आ जाओ रुको मैं थोड़ी सी स्लाइड ऐड कर लू आ जाइए बच्चों अब आ रहे हम अपने मसल के हिस्से पे मसल्स कितने तरह के हमारे शरीर में हमारे शरीर में मसल्स है तीन तरह की ठीक है

ये मैं बना दूं देवडे एक बात सुनो ढंग से आई एम नॉट गोइंग टू रश एनी टॉपिक अगर जितना आज मसल का हो पता हो जाएगा कल हम कंटिन्यू करेंगे उसी टाइम पे ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई स्ट्रेस है ढाई मुझे तीन चैप्टर कराने का कुछ भी नहीं है ऐसा मुझे क्वालिटी भी मेंटेन करनी आई एम नॉट हियर टू रन एनीथिंग क्योंकि मुझे पता है मैं पूरा एक बार सिलेबस आपको पढ़ा चुकी हूं ये मेरा लास्ट चल रहा है ह्यूमन फिजियो और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली यूनिट मेरे पास अभी दिन बहुत हैं तो ऐसा नहीं है कि आई विल रन आई विल टीच स्लोली एंड स्लोली एंड एब्सोल्युटली विद माय हार्ट नहीं भगाना मुझे कुछ भी मैं वो फिर मैं मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बच्चों नोट्स मैं बना के लाई हूं चाहती तो मैं इसे बहुत जल्दी पढ़ा देती बट मुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ टीचिंग

ठीक है, बट रेगुलर जरूर आप लोगों ने रहना है डोंट आस्क मी टू यू नो बार बार नई नई सीरीज लाना वो बेटा मेरे बस की ज्यादा नहीं है नई नई सीरीज बनाना सच बता रही हूँ वो मेरे से ज्यादा नहीं हो पाता है एक सेकेंड में स्लाइड ऐड कर रही हूं आ जाओ वो मेरे से ज्यादा नहीं हो पाता है चलो अब हम आते हैं हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल अंडरस्टैंड करते सही है, बिल्कुल सही है आप लोग का भी मुझे देखना है नहीं करना आज कल करना है देखो हमारा सिलेबस बहुत सही स्पीड पे चला है खत्म होने के पे खड़ा है दो चैप्टर भी अगर आप मेरे से कराओ कल तो बल्कि तीन ढाई तीन हो सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है ये कल करा दूंगी बट बेटा प्लीज बी रेगुलर मैं अब रात की क्लासेस नहीं ले पाऊंगी बेटा मेरी मैंने आपको पहले बोला मेरी हेल्थ बहुत मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दी है बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया मैंने अपनी हेल्थ मैं अपनी हेल्थ और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती और प्लस मेरी हेल्थ नहीं ध्वनि की भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई है क्योंकि वो रात रात भर जगती थी मेरा वेट करती थी तो उसके कारण उसकी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज है तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको पढ़ाऊं बट एट द यू नो कॉम्प्रोमाइजिंग समथिंग जो मैं लॉन्ग रन नहीं कर पाऊँ तो एवरी डे आइए अपनी लाइव वॉचिंग रखते हैं और प्लीज 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 डू शेयर योर फीडबैक्स मैंने कहीं पे भी कुछ भी आपको लगे कि मैम यहाँ भगाया कुछ भी है ऐसा मैंने बिल्कुल करने की कोशिश नहीं किया पूरे नोट्स में आपको दे दूंगी सारे नोट्स बने हुए हैं ठीक है यस बट मेक श्योर वी विल बी रेगुलर ठीक है बहुत सारे लोग YouTube पे पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब कुछ आपको जहां अच्छा लगे वहां रेगुलर पढ़े बस और कुछ नहीं ठीक है हाँ, आज आपके वैसे भी ईद का दिन है और आप अपनी ईद पे भी आए मुझे बहुत खुशी है बच्चों की नवरात्रि है वो नवरात्रि के दिन पे भी आए मुझे इस चीज की भी बहुत खुशी है है दिस इज अ प्योर डेडिकेशन ठीक बच्चों चलो कोई नहीं कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है नोट्स कहाँ मिलेंगे सबको नीट अडा के चैनल पे मिलेंगे नोट्स तो माइक्रोब्स बेटा आपके अब यूनिट वाइज हो रहा है ना यस माइक्रोब्स यूनिट वाइज हो रहा है आपका हम्म मैंने पहले कहा था तीन घंटे से ऊपर के मैं सेशंस नहीं लूंगी बच्चा पढ़ता नहीं है हम बस वो व्यूज बनाने वाली बात है बच्चे का रिटेंशन नहीं होता एंड आई डोंट थिंक सो कि माई टीचिंग इज जस्ट ओनली फॉर व्यूज इट्स फॉर रिटेंशन इट्स फॉर प्रोडक्टिविटी इट्स फॉर सिंसेरिटी माई कॉन्टेंट इज नॉट लाइक बस आओ फटाफट करके चले जाओ नो आई आई डोंट बिलीव माई कॉन्टेंट इज दैट मच ईजी गोइंग बहुत मेहनत से पढ़ाया है एक एक चीज लिख के पढ़ाई है ब्लैंक स्लाइड पे सो so, मैं अपने कंटेंट की कदर करती हूँ

क्योंकि तमन्ना मैम अब डेली सेवन से ट्वेल्व थर्टी लाइव जाएंगे और एक से छह बजे तक चैनल मुझे मिल जाएगा फिर पूरा का पूरा तो उसमें ना जो हमारे मॉक टेस्ट का भी प्रॉब्लम हो रहा था ना वो भी सही हो जाएगा तो अब मैं आपको एक बार रिवाइज टाइमिंग बता देती हूँ पूरा का पूरा बच्चों एक बार देख लो चैनल का रिवाइज टाइमिंग फिजिक्स की हर दिन क्लास सेवन से ट्वेल्व होगी ठीक है जिसमें मैम प्रैक्टिस और पूरा स्केड्यूल बताएंगी मतलब चैप्टर्स कराएंगे सॉरी फिर बायो का वन से लेके, बजे तक बायो का का से लेके बजे तक होगा जिसमें मैं मॉक टेस्ट प्लस कराऊंगी आपको ये वन शॉट ये मैराथन ठीक है ये मेरा टाइम होगा जिसमें पूरा बायो का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा तो यानी कि चार बजे से हम रखेंगे अपना सेशन या तीन बजे कर सकते हैं Uh, नहीं एक से दो दो से तीन तीन से चार हाँ चार बजे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर उसके बाद हमारा केमिस्ट्री शुरू होता है साढ़े जो कि आपका चलेगा जब भी चलेगा कैसे लगा बच्चों टाइमिंग चैनल का टाइमिंग पूरा सेट कर दिया मैंने ये वाला है मेरा पूरा चैनल का टाइमिंग नीट अड्डा का ये है फिजिक्स सुबह बायो दिन में और शाम में केमिस्ट्री तो इससे क्या आपका कोई भी चीज क्लैश नहीं होगी और हम सारी चीजें कर पाएंगे देखो ये है टाइमिंग पूरे चैनल का देख लो इसको अगर आप इस चैनल पे हैं अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ रहे हैं हाँ, मॉक हाँ, ये मेरा ऐप पर होगा इसका लिंक मैं पिन करा दिया करूंगी डेली कमेंट सेक्शन में ठीक है बच्चों तो आज थैंक्स अ आज जब भी आप तमन्ना मैम की क्लास में जाएंगे तो उन्हें थैंक यू जरूर करना कि थैंक यू मैम ने काय गरिमा मैम ने कि उनकी जो हेल्प से जो है मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो गया है अपना पूरा स्केड्यूल फिक्स करने के लिए तो आज सारे जितने मेरे प्यारे बच्चे वो तमन्ना मैम को थैंक यू जरूर बोलेंगे मेरी तरफ से मैं तो बोल ही रही हूँ आप भी बोलेंगे ठीक है क्योंकि वी डोंट वॉन्ट क्लाशेस वी वॉन्ट की जो भी हम करा रहे हैं फिजिक्स के बायो के टीचर हंड्रेड परसेंट शुड गो टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास ठीक है यस रात में आप थोड़ी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बीच में ब्रेक्स भी हैं ये ब्रेक्स भी हैं मतलब मान लो क्लास बारह बजे मैं एक बजे शुरू कर एक घंटे का ब्रेक है वेर यू रेस्ट, यू कैन कैन रेस्ट हैव लंच फिर उसके बाद जो है मैं साढ़े पांच तक आपको फ्री कर दूंगी साढ़े छह से क्लास है एक घंटे का फिर ब्रेक दे देंगे फिर okay. साढ़े छह से पढ़ लो जब तक पढ़ रहे हो पूरा ब्रेक भी है पूरा का पूरा परफेक्ट टाइम टेबल है विच यू कैन फॉलो ऑन नीट अटा चैनल ठीक है मेरे बच्चों चलो मिलते हैं अच्छा कल की अटेंडेंस लगाओ सब इसका मैं टाइमिंग अभी चेंज करा दूंगी एक बजे कल की सब अटेंडेंस लगाएंगे कम ऑन गाइस जितना जोश आज है उतना ही जोश कल भी होना चाहिए वरना कोई फायदा नहीं है भाई कोई भी फायदा नहीं है फिर यस yes, कल मॉक टेस्ट आपका लगेगा आ, एक से दो दो से तीन तीन से चार साढ़े चार बजे मॉक टेस्ट लगेगा कल साढ़े बजे मॉक टेस्ट साढ़े से साढ़े मॉक टेस्ट

आज मैंने कहा था ना एक दिन हमें टाइम डिसाइड करने में लगेगा बट वो हो गए हाँ कल से देखना पूरा सिस्टम हो जाएगा कल से पूरा सेट हो गया ना सिस्टम लग गई अटेंडेंस एवरीवन नहीं लगी अभी तक नहीं लगी बहुत सारे बच्चे मैम की बात नहीं सुन रहे हैं चलिए फटाफट से सब अटेंडेंस लगाइए ऑन यस लगाई सब अटेंडेंस लग गई यस बढ़िया टाइम टेबल है ना दिस इज हाउ वी ऑल वर्क टुगेदर टू गिव make sure that you people study all together yes come on guys attendance 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 सब जाके लाइक क्लिक uh, करेंगे लाइक like करेंगे कल मॉक टेस्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगी यहां नीट अड्डा का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना तो यहीं पे मैं नोट्स अभी शेयर करूंगी यहीं पे नोट्स शेयर करूंगी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा यस yes. कम ऑन बच्चों जल्दी-जल्दी जल्दी, जल्दी, जल्दी. लाइक करे लाइक करे करे चलो 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 फटाफट से फटाफट से फटाफट से यस कमन 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 हाँ चलो चलो हो गई अरे यार जल्दी से कर दो बच्चों सो दैट वी कैन सेव लॉर्ड ऑफ टाइम टूडे सलवीन ने कर दिया क्या बात है सलोनी क्या ट्रेलर है मैम है ना अच्छा ट्रेलर बनाना इस बार चेंज करवा दिया मैंने तुम्हारे ट्रेलर अब उसमें टाइम चेंज कराना पड़ेगा यार मुझे ट्रेलर में नया शूट करती हूँ अभी बैठ के कमॉन कमॉन कमौन चलो अब करके जाना लाइक ठीक है वन के लाइक्स होने चाहिए अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू सो मच